हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लॉट इज हैपेंड सिंस वी लास्ट मेट। तो अब आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहा होगा, माइंड सेट क्लियर हो चुका है, सो वी कैन फोकस ऑन द स्टडीज नाउ। सो टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी का रिविजन वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग जो मटेरियल यूज करने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल बी डायरेक्टेड टू द वेबसाइट एंड वहां से जाके आप इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस मटेरियल इज द 19 केस स्टडीज व्हिच आर गिवन इन योर मॉड्यूल 3। वो मॉड्यूल 3 के अंदर 80 पेजेस में कवर की जाती है। हमने उसको शॉर्टन अप किया है, समराइज किया है और उसको सिर्फ और सिर्फ 24 पेजेस में कवर किया है, so that it becomes easier for you to cover all the 19 case studies given in your module right before your exam. तो exam के just एक दिन पहले आप इस video को भी refer कर सकते हैं, इस material को use कर सकते हैं to cover your 19 case studies which are given. इससे डेफिनेटली आप लोगों के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं। एट द सेम टाइम यू कम टू नो कि एग्जाम में अगर कोई सा भी केस स्टडी पूछा जाता है तो उसमें हम लोग अपने आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे। डेफिनेटली द केस स्टडीज आर नॉट गोइंग टू रिपीट, बट देयर इज अ हाई चांस दैट यू माइट गेट अ केस स्टडी ऑन द सिमिलर और सेम टॉपिक। तो फिर आप लोगों को आसान हो जाएगा अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कशन ऑफ द 19 केस स्टडीज व्हिच आर गिवन हियर। सो फर्स्ट केस स्टडी अपना वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर है और उसमें हम लोग डीपी लिमिटेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। हियर कम्स द केस स्टडी नंबर वन। केस स्टडी नंबर वन के अंदर डीपी लिमिटेड में एक कॉपर वायर का टीम है जो कि कॉपर वायर मैन्युफैक्चर करता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर वायर दे रिक्वायर कॉपर एज रॉ मटेरियल। तो इन लोगों का एक प्रोक्योरमेंट टीम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर परचेज ऑफ कॉपर, बट दे आर नॉट बाइंग कॉपर बिकॉज ऑफ सम इशू। इसमें ये प्रॉब्लम बताया गया है कि ये इनका जो प्रोक्योरमेंट टीम है वो वेट कर रहा है फॉर द मार्केट प्राइजेस टू फॉल बिलो और तब वो लोग परचेज करना चाहते हैं कॉपर को। इसकी वजह से क्या होगा कि ये लोग एनुअल सेविंग्स जनरेट कर पाएंगे कंपेयर टू देयर बजटेड कॉस्ट ऑफ परचेज। वो सेविंग्स की वजह से इन लोगों का बोनस डिपेंड कर रहा है। सो प्रोक्योरमेंट टीम इज फोकस्ड अबाउट देयर बोनस, दे आर नॉट परचेजिंग द कॉपर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशंस। और परचेज नहीं करने की वजह से द डीपी लिमिटेड द ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक आउट ऑफ कॉपर। एंड अगर स्टॉक आउट हो गया रॉ मटेरियल का तो ऑपरेशंस कैसे करेंगे? ऑपरेशंस नहीं करेंगे तो कस्टमर को क्या सेल करेंगे? सो दिस इज द एंटायर प्रॉब्लम दैट इज गिवन टू अस इन दिस केस सिनेरियो। तो अपने को यहां पर क्या चीजें करनी होगी? सबसे पहले वी आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द 5 प्राइमरी एक्टिविटीज इन द डीपी लिमिटेड एंटायर ऑपरेशन। उसके बाद में हमें इश्यूज को डिस्कस करना है एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अल्टरनेटिव मेजर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ऑलराइट, तो अपन सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज पे जाएंगे। सो बिफोर गेटिंग ऑन टू डिस्कशन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज, डेफिनेटली वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखेंगे अपने आंसर में। क्या लिखेंगे? कि वैल्यू चेन एनालिसिस से हम लोग सारी एक्टिविटीज को अलग अलग कर देते हैं प्रोसेस में। हर एक्टिविटी को देखते हैं कि कौन सा वैल्यू एडिंग है, कौन सा नॉन वैल्यू एडिंग है। नॉन वैल्यू एडिंग को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। वैल्यू एडिंग में एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं, क्वालिटी को इम्बाइब करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा ऑपरेशन जो है वो स्मूथ हो जाता है, उसमें से वेस्ट एलिमिनेट हो जाता है और हमारा प्रोसेस एफिशिएंट हो जाता है। अल्टीमेटली आवर लीड टाइम्स गेट रिड्यूस्ड बिकॉज़ आवर एफिशिएंसी गेट्स इंक्रीज्ड और हमारा क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर सैटिस्फाई होता है। सो वैल्यू चेन एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के बाद क्विकली वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। आपको पता है 5 प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड द लास्ट वन इज सर्विसेज। राइट, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या हो जाएगा कि कॉपर का जो प्रोक्योरमेंट टीम है वो प्रोक्योर करेगा कॉपर को। उसको प्रोक्योर करने के बाद में वहां से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिससे उन्होंने खरीदा है उनके वेंडर से वहां से ट्रांसपोर्ट करके अपने पास लाना पड़ेगा। सो ट्रांसपोर्टेशन वुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। उसके बाद में अपन बहुत सारा कॉपर खरीदते हैं, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही नहीं खरीदते बिकॉज इट इज नो वेयर गिवन इन द क्वेश्चन कि दे आर फॉलोइंग GIT सिस्टम। सो वो लोग स्टोर करते होंगे, वेयरहाउस करते होंगे एंड दे माइट ऑल्सो बी फर्दर देन इशूइंग द कॉपर टू द प्रोडक्शन टीम, क्योंकि उनको स्टोरेज एरिया से प्रोडक्शन पर इशू करना पड़ेगा रॉ मटेरियल को। ऑलराइट, सो ये तीनों जो चीजें हो रही है वो इनके इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट बन जाएगी। फिर आता है ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में ये लोग कॉपर को मेल्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म करते होंगे इनटू द कॉपर वायर्स, तो वो उनका ऑपरेशंस का पार्ट हो गया। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होगा कि ये लोग वायर बनाने के बाद में उसको स्टोर करके रखते होंगे एंड दे माइट देन बी डिलीवरिंग इट टू देयर कस्टमर्स। तो वो डिलीवरी जो सिस्टम हो रहा है, लॉजिस्टिक्स फिर से आ जाता है यहां पर, वो भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट बन जाएगा। देन देयर कम्स द सिंपलर पार्ट वेयर इज मार्केटिंग
एंड सेल्स इज कंसर्न, तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, प्रमोशनल स्कीम्स हो गया, वो चीज कर सकते हैं। सर्विसेज के अंदर आफ्टर सेल सर्विस को आप यहां पर लिंक कर सकते हो कि कस्टमर अगर रिटर्न करने आता है तो उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो वारंटी क्लेम्स वाला जो प्रोसेस होता है वो इनके सर्विस का पार्ट बन जाएगा। ऑलराइट, सो ये कवर हो गया आपका 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। फिर आते हैं इश्यूज के ऊपर। तो जैसा अपन ने केस का डिस्कशन किया था वही इशू है। इशू यही है कि प्रोक्योरमेंट टीम इज नॉट परचेजिंग कॉपर, राइट? तो इशू क्या हो गया कि ये सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से दे आर फोकस्ड अबाउट देयर ओन बोनस एंड नॉट फोकस्ड अबाउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग हो गया यहाँ पर। दे आर गोइंग फॉर द शॉर्ट टर्म आउटलुक, दे आर नॉट गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे तो इनको इस तरह के डिसीजन लेने को मिलेंगे जहां पर ये लोग अपने बोनस का फायदा देखेंगे एंड दे विल नॉट लुक फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया आपका सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। फिर आता है इससे ही लिंक होता हुआ गोल कॉन्ग्रुएंस वाला पॉइंट। गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कि आपके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो कॉन्ग्रुएंसी में होना चाहिए, यानी कि वो अलाइंड होना चाहिए। अगर अलाइन होगा तो फिर गोल कॉन्ग्रुएंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, सो दैट इज अ गुड थिंग। बट यहां पर गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं है, वही इशू है। यहां पर गोल कॉन्ग्रुएंस इसलिए नहीं है बिकॉज यू कैन लिंक इट डायरेक्टली विद द फर्स्ट पॉइंट कि जो प्रोक्योरमेंट टीम है वो बोनस के ऊपर ध्यान दे रही है अपने, तो उनका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न बोनस। बट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न बोनस, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू सेल देयर प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड अर्न प्रॉफिट। ऑलराइट, तो ये चीजें लिंक नहीं हो पा रही, अलाइन नहीं हो पा रही है, जो एक और इशू क्रिएट करता है। बट द रीजन विच इज बिहाइंड बोथ दीज इश्यूज इज कि यहां पर इनका जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है वो सही नहीं है। मतलब कि यहां पर कंट्रोलेबल फैक्टर्स पर ध्यान नहीं देके नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग ऐसे फैक्टर्स पर ध्यान दोगे जो कि कंट्रोल में है ही नहीं और उसके बेसिस पर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे तो आपका डेफिनेटली ये दोनों इशू देखने को मिलेगा जहां पर गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग हो रहा होगा। यू हैव टू कंसिडर बोथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव स्टडीड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन चैप्टर 8, उसको बहुत बार हमने देखा है कि अगर आप किसी का भी परफॉर्मेंस असेस कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो या फिर मेजर कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर्स के बेसिस पर ही ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, तो यहां पर अगर प्रोक्योरमेंट टीम को ऐसा लगता है कि मार्केट प्राइसेस फॉल होने पर इनका जो सेविंग्स जनरेट होगा उसके बेसिस पर भी इनको बोनस मिल जाएगा तो वो एक नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर के ऊपर हम लोग उनको बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग बिकॉज यहां पर ना तो उनका कोई एफर्ट है ना ही उनके हाथ में कोई चीज है। अगर मार्केट प्राइस चेंज हो जाता है तो उसको इग्नोर करके इन लोगों का बेनिफिट देखना चाहिए कि इन्होंने कितना एफर्ट दिया, उसके बेसिस पर बोनस दो। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका 3 इश्यूज। कंट्रोलेबल फैक्टर वाला जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है कि आप जनरली मिस कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, तो ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना होगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर जिसकी वजह से हम लोग ये इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड इसलिए क्योंकि वो फाइनेंशियल ही नहीं नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को भी इंक्लूड करता है। ओके, सो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो सबसे पहले आ जाता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंस इस तरह से समझना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेजर स्टेक होल्डर हमेशा शेयर होल्डर होता है। वो शेयर होल्डर अगर आपका मेजर स्टेक होल्डर है वो अपने सिर्फ और सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए कंसर्न है। वो अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए कंसर्न है तो आपको फाइनेंशियल मेजर्स के ऊपर तो ध्यान देना ही होगा। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल मेजर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं अपन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर जहां पर रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी वाली बातें की जाती है। देन लेट्स टॉक अबाउट कस्टमर पर्सपेक्टिव। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के लिए ही रहता है। हम लोग अगर उनको सेल नहीं करेंगे तो किसे सेल करेंगे, और सेल नहीं करेंगे तो कस्टमर कैसे चलेगा। तो कस्टमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एनहांस करना, इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप लोग क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे और सबसे पहली बात आप लोग स्टॉक मेंटेन करोगे जो कि डीपी लिमिटेड में नहीं हो पा रहा है। So you have to maintain the stock, then provide quality product to your customer. Alright, तो ये हो गया customer perspective, but ये दोनों perspectives को achieve करने के लिए you need internal business perspective. Internal business perspective ये बोल रहा है कि आप अपने processes के ऊपर ध्यान दीजिए, उसमें productivity लेके आइए, efficiency लेके आइए, अपना lead time reduce कीजिए, quality improve कीजिए, और इस तरह से internal business perspective work करता है। ऑलराइट, सो वो बोल रहा है कि आपको अगर क्वालिटी इंप्रूव करना है, अगर आपको अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो आपको अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना होगा, उसमें एफिशिएंसी को इंप्रूव करना होगा, क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। सो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट लुकिंग एट योर प्रोसेस एंड इंप्रूविंग योर प्रोसेस। ऑलराइट, एंड द लास्ट पर्सपेक्टिव इज लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज को। यू शुड फाइंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालो और अपने
एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इनोवेटिव तरीके से करने को आप डिजाइन करो, तो ये होता है आपका लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोक्योरमेंट टीम को कि वो कैसे क्वालिटी कॉपर परचेज कर सकते हैं एट अ मिनिमम प्राइस, एट अ रीजनेबल प्राइस। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपना कवर होता है केस स्टडी नंबर वन। केस स्टडी नंबर टू के अंदर हमें बताया गया है कि वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे अप्लाई होता है इन अ रिटेल स्टोर। तो रिटेल स्टोर वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां से हम लोग अपना बेसिक सामान खरीदते हैं, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो ऑपरेशंस में हम लोग क्या बात करेंगे, उसके अलावा हम लोग आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या करेंगे, जहां पर हमारे स्टोर होते हैं तो लोग आके हमसे परचेज कर लेते हैं स्टोर पर आके, राइट? देयर इज नो डिलीवरी सिस्टम, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स, तो बेसिकली वही होता है। अल्टीमेटली अपने को एक एस्मार्ट नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लिंक कर सकते हो डीमार्ट के साथ में, बिग बाजार के साथ में, रिलायंस फ्रेश के साथ में, वॉलमार्ट के साथ में, बेस्ट प्राइस के साथ में, जो भी आपको नाम ध्यान में आ रहा है आप उसके साथ में लिंक कर दीजिए। ऑलराइट, और फिर आप लोग ध्यान दीजिए कि वहां पर पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है वो आपको केस स्टडी के अंदर बताया है। एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू ओनली आइडेंटिफाई द प्राइमरी एक्टिविटीज एंड द सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, तो बहुत आसान है। प्राइमरी एक्टिविटीज 5 होती है हमें पता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज 4 होती है हमें पता है, हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट उसके पहले हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब बात रही सिर्फ और सिर्फ लिंक करने की, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या हो जाएगा? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यही होगा कि हमारा अगर रिटेल स्टोर है, हम लोग वेंडर से परचेज कर रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद वहां से ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, उसको स्टोर कर रहे होंगे, तो वही चीजें तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का भी पार्ट बन जाएगी। ऑलराइट, फिर आता है ऑपरेशंस, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑपरेशंस में जनरली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन में तो क्या होता है कि वो लोग वहां पर ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल को टू देयर फिनिश प्रोडक्ट, बट यहां पर जहां पे हम लोग रिटेल स्टोर की बात कर रहे हैं, देयर इज नो रॉ मटेरियल, दे आर ओनली डीलिंग इन देयर फिनिश प्रोडक्ट्स। तो यहां पर ऑपरेशंस क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ये हो सकता है कि जैसे कि उन्होंने रिटेल स्टोर को हैंडल कर रखा है, मैनेज करके रखा है, तो वो मैनेजमेंट का जो पार्ट आता है वो भी इनके ऑपरेशंस में ही चले जाएगा। रिटेल स्टोर को मैनेज करना इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द मेन टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब आपके यहाँ पे कस्टमर आता है तो उसका सेटिस्फैक्शन एनहेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके सेटिस्फैक्शन एनहेंस करने के लिए आपको उसको डायरेक्ट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डीमार्ट पर गए, ओके, सो डीमार्ट पर जाके फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू परचेज मैगी, और मैगी आपको पता नहीं है कि कौन से सेक्शन में जाके मिलता है, तो आप वहां पर किसी खड़े एम्प्लॉई से जाके पूछोगे कि भैया बताओ मैगी कहां पर मिलता है, वो आपको डायरेक्ट कर देगा, वो आपके साथ में भी नहीं जाएगा, आपके लिए लेके भी नहीं आएगा, He will or she will only direct you. तो वो आपको direct भी कर रहे हैं, तो आपके लिए वो जो सामान लेना होता है, मैगी लेना होता है, वो आसान हो जाता है। सो आप आसानी से जाके उस सेक्शन में से मैगी परचेज कर सकते हो। This is ease of purchasing for you as a customer. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक रिटेल स्टोर में, कहाँ पर कौन से सेक्शन में क्या चीज़ें जमानी है, रिटेल स्टोर को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें इनके ऑपरेशंस का पार्ट बन जाता है। देन कम्स योर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बेसिकली यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज आप लोग स्टोर पर जाके परचेज कर रहे हो, बट जैसा कि आप लोग जानते हो डीमार्ट हो गया, उसका डीमार्ट रेडी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, बिग बाजार का भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट आया था, उसके अलावा ग्रोफर्स हैं जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन वर्क करते हैं, राइट? और रिलायंस फ्रेश ने भी अब जियो मार्ट के साथ में, जब जियो मार्ट आ चुका है तो उनका भी पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो चुका है एक तरह से। तो जब ये लोग ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हैं तो फिर वो लोग डिलीवर करने आते होंगे घर पे। फॉरगेट अबाउट दीज रिटेल स्टोर्स विच आर ह्यूज, टॉक अबाउट योर रिटेल किराना स्टोर जो आपके पास में होता है ना, लोकल किराना स्टोर, वो भी आपको ऑनलाइन डिलीवरी करता है। कैसे? क्योंकि ज़्यादातर जगह पे आपने देखा होगा कि आप उसको फ़ोन पे फ़ोन करके ऑर्डर लिखवा देते हो, पूरा आपने लिस्ट उसको लिखवाया होता है और फिर वो उसी दिन में आके आपके घर पे जाके डिलीवर कर देता है। दे आर ऑल्सो एडवांसिंग इट इन टू यूजिंग व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर आप उसको सेंड करते हो लिस्ट, वो आपके घर पर आकर डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर भी डिलीवरी सिस्टम आ जाता है। देन कमिंग टू मार्केटिंग एंड सेल्स, तो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर ये हो जाएगा कि ये लोग प्रमोशनल स्कीम्स यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हैं, बट वी आर गिवन इन द केस स्टडी कि एस्मार्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट पर फोकस नहीं करता है बिकॉज उसको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा हैवी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है और हम लोग उसके बजाय क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पर फोकस करते हैं और साथ में हम लोग प्रमोशनल स्कीम्स देते हैं जिसकी वजह से हमारा वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत प्रमोशन होता है। सो एडवर्टाइजमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ नो यूज फॉर एस्मार्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन करके ये चीज लिख सकते हैं। देन कम्स योर सर्विसेज, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम रिटर्न करने गए एज अ कस्टमर स्टोर पर तो उसको वो हैंडल करेगा और यही चीजें हैं जो सर्विस के अंदर आ जाएगी। फिर आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है सबसे पहले प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर परचेजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप किस प्राइस पर खरीदते हो, राइट? तो प्राइस पर खरीदना, अच्छे प्राइस पर खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सस्ते में दे पाओगे, वरना कॉम्पिटिशन बहुत टफ है।
तो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट में क्या हो जाएगा कि आपको मल्टीपल वेंडर्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से कौन सा वेंडर आप सिलेक्ट करते हो फॉर क्वालिटी पर्पस एज वेल एज फॉर योर प्राइस पर्पस, राइट। और उसके साथ में कई और चीज़ें होती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कितना पड़ रहा है या फिर वो अपने को क्रेडिट पीरियड कितना दे रहा है। तो वेंडर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद में उसको ऑर्डर देंगे और वहां से अपन प्रोक्योर कर लेंगे। तो ये होता है आपका प्रोक्योरमेंट का पार्ट। फिर आता है टेक डेवलपमेंट। टेक डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारा बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हैंडल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारा स्टॉक आउट कब हो रहा है, हमें रीऑर्डर कभी कौन से लेवल पे करना है, स्टॉक लेवल कितना मेंटेन्ड है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज सेल्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, परचेजिंग हमें उसके अकॉर्डिंगली करना होता है। ऑलराइट, तो आपका इन्वेंट्री के ऊपर पूरा कमांड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए जो आपके इस फंक्शन को मैनेज करके दे, जो कि इन्वेंट्री को पूरी तरह से मैनेज कर सके और इन्वेंट्री लेवल्स को कैलकुलेट कर सके, राइट। तो इन्वेंट्री के लिए तो इनको एक सिस्टम चाहिए, बट उसके अलावा अगर अदर फंक्शंस जो रहते हैं इनके उसको भी आसान बनाता है तो इस तरह का एक सिस्टम इनको लगाना चाहिए। अपने को केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है कि Smart has already implemented SAP, जिसकी वजह से वो लोग काफी सारे फंक्शंस को मैनेज कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। देन कम्स योर पॉइंट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि हमेशा ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोगों को उनको रिक्रूट करना है। एक बार रिक्रूट कर लिया तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको मैनेज करना पड़ेगा, रिवॉर्ड करना पड़ेगा, उनको डेवलप कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉयज आपसे सेटिस्फाइड होने चाहिए, तभी वो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करके दे पाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि हमारा स्टोर हो गया, वही नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट यहां पर जो माना जाता है वो है कि आपका लीगल डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिखते नहीं है ऑपरेशंस के साथ में, क्योंकि आपका ऑपरेशंस मेन पार्ट होता है, बट ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं ऑपरेशंस को, बिकॉज इनके बिना ऑपरेशंस को आसानी से हैंडल करना, कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल कम्स एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा अकाउंटिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंसिडर की जाती है। और इस तरह से हमारा केस स्टडी नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं अब केस स्टडी नंबर 3 के ऊपर। लेट्स बिगिन विद केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी नंबर 3 के अंदर हमें फिर से वैल्यू चेन एनालिसिस पूछा गया है, बट दिस टाइम वी आर आस्क्ड अबाउट वैल्यू चेन एनालिसिस इन केस ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले वाले में हमने एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, सेकंड वाले में हमने रिटेल स्टोर में देखा था, और थर्ड वाले में फाइनली हम लोग आ चुके हैं सर्विस सेक्टर के ऊपर। तो अगर आपको याद होगा तो वैल्यू चेन एनालिसिस के क्रिटिसिज्म देखे जाते हैं इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। तो वहां पर एक नया मॉडल निकल के आता है जिसे कहते हैं वैल्यू शॉप मॉडल। ऑलराइट, तो वैल्यू चेन एनालिसिस का यहां पर अपने को क्रिटिसिज्म भी बताना पड़ेगा। तो यहां पर केस के अंदर अपने को क्या बताया गया है, WSS नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोलर वाटर हीटर सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करता है। तो मुझे एज अ कस्टमर किसी सोलर वाटर हीटर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं मेरी रिक्वायरमेंट्स को बताऊंगा उनके एक्सपर्ट्स को, उसके हिसाब से वो लोग एक सॉल्यूशन को डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर मेरी प्लेस पर आके इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद में दे ऑल्सो प्रोवाइड एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज, बट ये सारी चीज़ों का जो ओवरऑल प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहां पर कस्टमर्स का यह कहना है कि कॉम्पिटिटर्स इतना बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे जितना अच्छा WSS कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इतना ज्यादा चार्ज भी नहीं कर रहे, मतलब कि WSS के कंपैरिजन में उनके कॉम्पिटिटर्स का प्राइसिंग काफी कम है। तो यह देखते हुए WSS ने अपना प्राइसिंग कम कर दिया। प्राइस कम करने के बाद में उनको रियलाइज हुआ कि शायद उनका मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो उनके प्रॉफिट सेक्टर में या फिर उनके प्रॉफिट को कमाने में इतना सफिशियंटली प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर उनको थोड़ा सा डर है। उसके उन लोगों को कॉस्ट बढ़ती भी नजर आ रही है, बिकॉज कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है सारी चीजों की, और प्राइस हमने कम करके रखा है ताकि हम लोग कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपीट कर सके, तो वो चीज अनवायबल साउंड कर रही है WSS के लिए। तो यहां पर पार्टनर्स का कहना है कि आप वैल्यू चेन एनालिसिस को अप्लाई करो और देखो उससे कितना बेनिफिट निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि WSS में अगर वैल्यू चेन एनालिसिस को इंप्लीमेंट करें तो क्या बेनिफिट्स आएंगे। बट वहीं पर उसके एक पार्टनर का कहना है कि वैल्यू चेन एनालिसिस सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में इतना सक्सेसफुल नहीं है, तो उसके अपने को क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट लेट्स मूव ऑन टू बेनिफिट्स। सबसे पहले तो अपने को वैल्यू चेन एनालिसिस करने के बाद में उनकी सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करने का मौका मिलेगा, उसकी वजह से अपने को पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन जहां पर उनका डर है वो एक्चुअली उनको वैल्यू एड करके दे रही है या नहीं दे रही है। अगर वैल्यू एड नहीं कर रही होगी तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये एक अपने को बेनिफिट प्रोवाइड करता है वैल्यू चेन एनालिसिस कंडक्ट करने से।
सेकेंड बेनिफिट दैट वी विल गेट इज कि हम लोग अपने फर्म के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उसका कंपैरिजन अपने कॉम्पिटिटिव फर्म्स के साथ में कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव फर्म्स कितनी एक्टिविटीज करते हैं, उनका किस तरह से कॉस्ट ड्राइव होता है, वो अपने को पता चल जाएगा अगर हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव फर्म्स का एक्टिविटी किस तरह से चल रहा है. सो कंपैरिजन यहाँ पर बेहतर हो जाता है, एनालिसिस बेहतर हो जाता है. द थर्ड पॉइंट इज कि हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस को डेवलप कर सकते हैं. अगर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1, तो वहां पर अपन ने पढ़ा था कि अपना जो कोर कॉम्पिटेंसी होता है वो पता लगाने में वैल्यू चेन एनालिसिस अपने को सपोर्ट करता है. वेदर वी शुड गो फॉर लोअर कॉस्ट एडवांटेज या फिर हमें लो कॉस्ट लीडरशिप को छोड़कर डिफरेंशिएशन एडवांटेज की तरफ जाना चाहिए. सो यहां पर डेफिनेटली डिफरेंशिएशन एडवांटेज नजर आता है जब अपन WSS को देखते हैं, बिकॉज वो लोग सुपीरियर क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर उनके सॉल्यूशंस कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा अच्छे हैं एंड दे आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. तो उनको एक चीज तो पता चल गई कि उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन सी चीज कर रही है, वो है उनका सॉल्यूशन देना और उनके एक्सपर्ट्स. द नेक्स्ट बेनिफिट दैट वी विल गेट इज कि हम लोग अदर मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, काइजन कॉस्टिंग, सिक्स सिग्मा, वैल्यू इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें भी हम लोग लगा सकते हैं. बेंचमार्किंग भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. इन टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद में डेफिनेटली हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाएंगे अपने प्रोसेस के अंदर, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा. सो वेस्टेज एलिमिनेट करने की बात यहाँ पर चल रही है, जिसमें वैल्यू चेन एनालिसिस आपको सपोर्ट कर देगा. तो यहाँ पर बात आती है कि हम लोग आउटसोर्सिंग भी तो कर सकते हैं. जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग उस पार्ट को आउटसोर्स कर देते हैं और फोकस करते हैं हमारे मेन एरिया पर, जो कि है सोल्यूशन प्रोवाइड करना और डिजाइन करना. सो एक्सपर्ट्स के ऊपर फोकस करो, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन को आउटसोर्स कर दो. ये चीज यहां से निकल के हमको पता चल जाती है, इसमें हमको हेल्प करता है वैल्यू चेन एनालिसिस. एंड द लास्ट बेनिफिट दैट वी कैन गेट इज कि हम लोग अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं. याद कीजिए एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, जहां पर हम लोग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो उसके बाद में हम लोग उसके बेसिस पर अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करना है, टारगेट्स कैसे सेट करने हैं, वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं. सो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यहां पर डेवलप करने में हेल्प करेगा वैल्यू चेन एनालिसिस. ये हो गए बेनिफिट्स. अब आते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर. तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि वो सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है. उसके अलावा यहां पर काफी सारा टाइम हमें देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा और कॉस्ट यहां पर हमें करनी पड़ेगी. पर इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि हमें प्रॉफिट डिराइव हो जाएगा, या फिर डिराइव होगा तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा. हो सकता है प्रॉफिट को रियलाइज करने में काफी टाइम लग जाए. सो वो वहां पर अपने को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अपने को वैल्यू चेन एनालिसिस का वहां पर भी एक क्रिटिसिज्म दिखता है. उसके अलावा वैल्यू चेन एनालिसिस का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो WSS के केस में आता है, वो है कि वो नेटवर्क्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है. नेटवर्क को इग्नोर करना यानी कि एक्सपर्ट्स का जो कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप है उसको इग्नोर कर देना. उसके अलावा अगर हम लोग आउटसोर्स करने का सोचते हैं मैन्युफैक्चरिंग और अपने इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस को, तो हमारा आउटसोर्सिंग पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा. उसके अलावा हमारे और भी कई तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स टीम के साथ में हो या फिर टेक्निकल टीम के साथ में हो, किसी भी टीम के साथ में कोई सा भी रिलेशन जब है आउटसाइड पार्टी के साथ में, तो वो वैल्यू चेन एनालिसिस कंप्लीटली इग्नोर कर देता है. जिसकी वजह से WSS के केस में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन का आउटसोर्सिंग हो सकता है, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर वो है कि यहां पर एक्सपर्ट और कस्टमर का रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर. तो ये सारे क्रिटिसिज्म अपने को यहां पर देखने को मिलते हैं. दिस कवर्स अप योर केस स्टडी नंबर 3. लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 4. यह इज ओके स्टडी नंबर 4. यहां पर पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल की बात की गई है, जहां पर अपन ने बार्गेनिंग पावर पढ़ा था सप्लायर और बायर का. उसके साथ में मिक्स किया है इन्होंने डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग को, क्योंकि इनका कहना है कि अगर डिविजन्स है आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं, आपस में परचेज और सप्लाई करते हैं, तो वो लोग भी तो एज अ कस्टमर एंड एज अ सप्लायर ही बिहेव करेंगे. तो वहां पर भी बार्गेनिंग पावर का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए. तो अपने को उसके ऊपर डिस्कशन करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बार्गेनिंग पावर की. बार्गेनिंग पावर में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अपने वर्क करते हैं, जिसकी वजह से बार्गेनिंग पावर डिपेंड करता है कि सप्लायर का ज्यादा होगा या फिर बायर का ज्यादा होगा. तो सबसे पहले लेके आते हैं अपना साइज का फैक्टर. ठीक है, बायर हुआ अगर पावरफुल या फिर उसका साइज बहुत ज्यादा हुआ, या फिर सप्लायर हुआ पावरफुल और उसका साइज बहुत ज्यादा हुआ, तो वो उस तरह से प्रेशर एग्जर्ट कर पाएगा, यानी कि उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा. राइट, अब ये साइज खुद का भी हो सकता है, यानी कि हम लोग क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं. जैसे कि अपन ने डीमार्ट की बात करी थी, तो डीमार्ट जब ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है तभी उसको सस्ते में मिलता है, सस्ते में मिलता है इसीलिए वो और सस्ते में बेच पाते हैं. राइट, इसी मॉडल के ऊपर वो लोग वर्क करते हैं. अगर वो लोग बल्क में परचेज ना करें तो उनको प्राइसेस बहुत महंगी पड़ेगी, और वो बल्क में परचेज करने की वजह से ही तो अपना प्रेशर एग्जर्ट कर पाते हैं. ऑलराइट, सो पावरफुल बायर और पावरफुल सप्लायर का आप मतलब समझ चुके हो. ये हो गया खुद से पावरफुल इन टर्म्स ऑफ नंबर पावरफुल, बट रिलेटिवली भी तो पावरफुल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा 50 करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें से 30 करोड़ का टर्नओवर मुझे एक ही बायर देता है, तो वो मेरे लिए रिलेटिवली बड़ा हो गया.
गया. ऑलराइट, तो फिर इन दैट केस मैं उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा. तो इस तरह से वर्क करता है रिलेटिव साइज और एब्सोल्यूट साइज. इसमें पावरफुल बायर, रिलेटिव साइज, ये सारी चीजें आ जाती है. फिर आता है स्विचिंग कॉस्ट. स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है कि मैं एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर कितनी आसानी के साथ में स्विच कर सकता हूं, इसमें मेरा कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. अगर कॉस्ट कम लगता होगा और मेरे पास में एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर शिफ्ट होने का ऑप्शन है तो फिर मैं इजीली शिफ्ट हो जाऊंगा. इन दैट केस मेरा बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा. सिमिलरली अगर मेरे पास ऑप्शंस है कि मेरे पास में अल्टरनेटिव सप्लायर्स या फिर अल्टरनेटिव बायर्स अवेलेबल है तो इन दैट केस हाई बार्गेनिंग पावर मेरा रहेगा. ओके, सो ये हो गया बार्गेनिंग पावर के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स. फिर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग में इसको कैसे घुसाना है. तो ट्रांसफर प्राइस सबसे पहले अपन ने सीखा था कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है क्योंकि आपके ट्रांसफर्स हो रहे हैं इंटरनली. तो एक्चुअली पैसे का एक्सचेंज करने का जरूरत है नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे तो चलेगा. और वो भी अल्टीमेटली जब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का निकलता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि एक का कॉस्ट है और एक का प्रॉफिट है, तो वो एलिमिनेट हो गया. राइट, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट एलिमिनेट हो गया क्योंकि आप बाहर से परचेज करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट्स, या फिर आप बाहर सेल करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट्स, या फिर आप बाहर से परचेज करते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता, डिलीवरी कॉस्ट लगता, वो सारी चीजें बच जाती है यहां पर. सो ट्रांसफर प्राइसिंग का वो एक बेनिफिट अपने को देखने को मिलता है. बट ट्रांसफर प्राइस नेगोशिएशन करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं. ट्रांसफर प्राइसिंग नेगोशिएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि सप्लाइंग डिवीजन का भी बोनस डिपेंड करता है और परचेजिंग डिवीजन का भी बोनस डिपेंड करता है. बोनस आप समझ चुके हो कि वो डेफिनेटली उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. सो जब बोनस डिपेंड कर रहा है यहाँ पर तो इन दैट केस क्या हो जाएगा कि सब लोग चाहेंगे, सप्लाइंग डिवीजन चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर बेचूँ, यानी कि एटलीस्ट मार्केट प्राइस पर तो बेचूँ, वहाँ पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा. और वहीं पे परचेजिंग डिवीजन चाहेगा कि मैं कम से कम पर परचेज कर पाऊँ, एटलीस्ट मार्केट में जितने में मुझे मिल रहा है उससे कम पर परचेज करूँ. तो दोनों चीज़ें बैठ नहीं रही है. यहाँ पर नेगोशिएशन करने में अगर एक्स्ट्रा टाइम लग गया तो फिर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो सेविंग हो रहा था वो पूरी तरह से आपका एलिमिनेट हो जाएगा. ऑलराइट, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बार्गेनिंग पावर का खेल साथ में आता है क्योंकि अगर सप्लायर के पास में बाहर सेल करने के लिए है ही नहीं और उसको इंटरनली सेल करना पड़ रहा है तो यहां पर बाइंग डिवीजन का बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम अगर बाइंग डिवीजन के पास में कोई सोर्स ही नहीं है उस मटेरियल को परचेज करने का और उसको इंटरनली ही परचेज करना पड़ रहा है तो फिर इन दैट केस सप्लाइंग डिवीजन का बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगा. सो इस तरह से बार्गेनिंग पावर का भी खेल चलता है. सो इन दैट केस अल्टीमेटली यहां पर क्या करना होगा कि सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट जो रहेगा इनका या फिर सेंट्रल टीम जो रहेगी, जो भी सुपीरियर मैनेजर्स रहेंगे, सीनियर मैनेजर्स रहेंगे, उनको आके यहां पर बीच में आना पड़ेगा और उनको ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करना पड़ेगा ताकि अल्टीमेटली कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में ट्रांसफर प्राइस डिसाइड भी हो जाए और कंपटीशन शायद यहां पर फिनिश ऑफ हो जाएगा. बट इसकी वजह से हो सकता है कि मैनेजर्स डिस्करेज हो जाए. तो इस तरह से अपन लोग पूरी चीज को समझ सकते हैं कि सारी चीजें मिलकर किसी ना किसी चीज का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है. तो यहां पर आके अपन थोड़ी सी बात कर सकते हैं ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम की और टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम की. तो उसकी वजह से अपन लोग थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और अल्टीमेटली अपना आंसर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा. सो ये होता है आपका केस स्टडी नंबर 4. लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 5. केस स्टडी नंबर 5 इज फ्रॉम द टॉपिक बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल. और यहाँ पर अपने को एक फैशन क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर की बात बताई गई है. उसका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट शेयर बेस्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मार्केट का वो नंबर वन प्लेयर है. बट उसके बाद भी वो एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जहाँ पर बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल की बात हो रही है. तो वो पूछ रहे हैं कि हम लोग बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा सबसे पहले BEM. BEM का जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ा है और जो भी अंडरस्टैंडिंग आपके पास में है उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए. उसके बाद में हमें लिस्ट करना पड़ेगा वेरियस मॉडल्स. मॉडल्स कौन कौन से आते हैं. सबसे पहले तो अपना आता है बैल्ट्रिज क्राइटेरिया, फिर आता है EFQM, उसके बाद सिंगापुर वाला, ऑस्ट्रेलियन वाला, जापान वाला. तो ये सारे मॉडल्स को आप लिस्ट करोगे. उसके बाद में फाइनली अपन लोग बताएंगे कि कैसे फैशन क्लोथिंग इसको इंप्लीमेंट कर सकता है. तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर EFQM मॉडल की. EFQM मॉडल के अंदर सबसे पहले आता है फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जाएंगे अपने क्राइटेरिया के ऊपर जहां पर 5 इनेबलर और 4 रिजल्ट आते हैं. तो सबसे पहले फंडामेंटल्स में आता है एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, यानी कि आपको एंटिसिपेट करना होगा कि कस्टमर की नीड्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने क्वालिटी का प्रोडक्ट वो चाह रहा है, कौन से डिजाइन का चाह रहा है, और वो सारी चीजों को आपको केटर करना पड़ेगा. तो उसके लिए फैशन क्लोथिंग में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आप समझो कि डिमांड किस तरह का जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मास्क की बात करें अपन, तो मास्क में किस तरह के रिक्वायरमेंट्स आ गए थे. सबसे पहले डिजाइनर मेरे कपड़ों से मैच होना चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. किसी में वेलक्रो आ रहा है फास्टनिंग के लिए, किसी में वो स्ट्रैप आ रहा है. सो इस तरह के फास्टनिंग टेक्निक्स भी अलग अलग आ गई.
उसके अंदर कितने लेवल ऑफ लेयर्स होना चाहिए फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो इस तरह के वेरियस टेक्नोलॉजीज है सिंपल से मास्क में जो कि कपड़े का भी बनता है। तो यहाँ पर अपने को समझ में आता है कि फैशन क्लोथिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको समझना पड़ेगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को और उनको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स। फिर आता है क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका मतलब ये होता है कि आपको फ्यूचर के ऊपर ध्यान रखना है और अपनी सराउंडिंग्स, अपने एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं करना है, उसके अलावा उसको नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करना है, पॉजिटिव इंपैक्ट देने की जरूरत है। तो अपन लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि क्लोथिंग लाइन में क्या होता है। अगर लेदर का यूज हो रहा है तो उसको बुरा माना जाता है एनवायरमेंटल के लिए भी, और पीटा ऑर्गेनाइजेशन वाले भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर लेदर की बात आप कर सकते हो एक एग्जाम्पल देते हुए। देन कम्स योर थर्ड पॉइंट विच इज डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल केपेबिलिटी, जो कि आपको सपोर्ट करता है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट था आपका एंटिसिपेट करना नीड्स को, तो आपको वो केपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप एंटिसिपेट कर पाओ, क्योंकि फैशन के अंदर लगातार ट्रेंड जितने चेंज होते रहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको एंटिसिपेट करो बहुत ही क्विक मैनर में और रिस्पॉन्ड करो। एट द सेम टाइम यू हैव टू स्विच योर प्रोडक्शन केपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, और अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स को आपको स्विच करना पड़ेगा नए प्रोडक्शन के ऊपर, बिकॉज ट्रेंड चेंज हो गया तो नए ट्रेंड का मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा, राइट, और बनाना पड़ेगा। तो यह हो गया आपका डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल केपेबिलिटी। उसके बाद आता है जितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड को पकड़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड को सेट करना भी है फैशन लाइन में। तो आपका इनोवेशन भी होना चाहिए, कुछ ट्रेंड्स को आप अगर एंटिसिपेट करके पकड़ रहे हो तो कुछ को आप सेट भी कर रहे हो, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिविटी इनोवेशन भी यहां पर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में ये सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा अपने इंप्लॉइज को, क्योंकि इंप्लॉइज ही तो वर्क करते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छी तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा और उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उनको रिवॉर्ड करना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आ जाती है आपके सक्सीडिंग थ्रू द टैलेंट ऑफ पीपल वाले पॉइंट में। इसके बाद आता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप आपको हमेशा इंटेग्रिटी के साथ में करनी चाहिए। जो लीडर होगा आपका वो कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना चाहिए, उसके अलावा वो लीड करना चाहिए यानी कि स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए और सारे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर उस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कराना चाहिए। इसी के साथ में इंपॉर्टेंस मैनेजर्स का भी आता है, जिनको काफ़ी सारे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को क्विकली आइडेंटिफाई करके उनको क्विक मैनर में रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसे कहते हैं मैनेजिंग विद एजिलिटी। ऑलराइट, सो ये सारे पॉइंट्स हो गए। और लास्ट पॉइंट है कि अपना जो भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अपन अचीव कर पा रहे हैं उसको अपने को सस्टेन करके रखना है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अपने कंट्रोल सिस्टम की। आपने इवैल्यूएट किया, उसको और इंप्रूव किया, ये हो गया आपका सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो इस तरह से अपने EFQM मॉडल के फंडामेंटल्स डिस्कस हो गए। अब आते हैं अपन 5 इनेबलर्स एंड 4 रिजल्ट्स पर। तो इनेबलर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कोई सी भी चीज शुरू होती है एक आदमी से, जो कि होता है लीडर, और वो सारे लोगों को लीड करता है। तो वो क्या करेगा? वो सारे डिसीजंस लेगा अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम दिस पर्सन शुड बी इथिकल इन डीलिंग, ओके। उसके बाद आता है अपना स्ट्रेटजी, जो कि अभी अपन ने बनाया था। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका सारा ऑपरेशंस प्लान होगा और सारे लोगों को उस स्ट्रेटजी के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा ताकि आप उस स्ट्रेटजी को अचीव कर पाओ। ऑलराइट, इसके बाद आता है पीपल। फिर से पीपल में आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उनको रिवॉर्ड करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा, ताकि वो लोग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हुए काम करें और बेहतर तरीके से काम कर सकें। एट द सेम टाइम उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होते रहें। सो ये हो गया पीपल। तीन तरह के अपने इनेबलर कंप्लीट हो गए यहाँ पर। फोर्थ इनेबलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिसोर्सेज एंड पार्टनरशिप्स। रिसोर्सेज में अपना रॉ मटेरियल तो आ ही जाता है, बट एट द सेम टाइम पार्टनरशिप के अंदर आता है अपना जो भी रिलेशनशिप रहेगा विद आर सप्लायर्स, विद आर कस्टमर्स, विद अदर टीम्स, जैसे कि टेक्निकल, लॉजिस्टिक्स, ओके। सो ये सारी चीजें हो गई आपकी पार्टनरशिप विद योर सर्विस पार्टनर्स। ऑलराइट, सो इस तरह से अपन ने पार्टनरशिप और रिसोर्सेज को भी देख लिया। एट लास्ट आपका प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा, प्रोसेस के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रोसेस आपका पूरा डिजाइन हो चुका होगा, और उसके बाद में आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस मैन्युफैक्चर करके उसको मैनेज करना है। ऑलराइट, सो ये हो गए आपके 5 इनेबलर। इसकी वजह से 4 तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कस्टमर रिजल्ट, क्योंकि कस्टमर की नीड को आपने एंटिसिपेट किया, उसको प्रोवाइड किया, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है पीपल रिजल्ट्स। आप कंटिन्यूसली इंप्लॉइज के ऊपर ध्यान दे रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, रिकग्नाइज कर रहे हो, तो उनका मोटिवेशन हाई हो जाएगा, इंप्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में काम करने लग जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज योर सोसाइटी रिजल्ट। सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हो, जो अपन ने देखा था ना क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिसे कहते हैं CSR करना। तो CSR की वजह से क्या होगा कि आपका सोसाइटी में भी अच्छा नाम हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट आता है बिजनेस रिजल्ट, जो कि होना चाहिए एक्चुअली फर्स्ट, जहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे होगे, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे होगे, तो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। सो इस तरह से अपना बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल भी कंप्लीट होता है। और यहां
यहाँ पर अपन ने फंडामेंटल्स और अपने 5 इनेबलर्स एंड 4 रिजल्ट्स यानी कि क्राइटेरिया को भी बहुत अच्छे समझ लिया। बट इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि आप बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी लिखो और मॉडल्स को भी लिस्ट करो। सो दिस कवर्स अप योर केस स्टडी नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 6। Here we go with case study number 6, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कि मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इनके 30 स्टोर्स है अक्रॉस द कंट्री और हर स्टोर का एक स्टोर मैनेजर है। वो स्टोर मैनेजर हर महीने में सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है, यानी कि एक महीने के अंदर ओनली एंड ओनली वन ऑर्डर। वो एक ऑर्डर जाएगा इनके सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर, सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस पर जो कि है बॉम्बे में। अब ये वेयरहाउस पर ऑर्डर जाने के बाद में जब डिलीवरी कर रहे हैं तो डिलीवरी टेक्स टाइम अराउंड 30-40 days ऑन एवरेज, यानी कि ऑर्डर प्लेसिंग से लेकर डिलीवरी तक होने में 30-40 दिन इनको लग जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये लोग जो पार्ट्स को प्रोक्योर करते हैं वो 100 से भी ज़्यादा वेंडर्स से प्रोक्योर करते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी प्रॉब्लम्स फेस की जाती है पार्ट्स के अंदर और उसकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन है उसमें डीले हो रहा है। उसके अलावा हमें बताया जा रहा है कि इनका जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है वो एवरेज में 45 डेज का है कंपेयर टू एन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ ओनली 15 डेज विच इज़ वे हायर इन केस ऑफ सन इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर हमें ये भी बताया जा रहा है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एडहॉक मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कि इनके मन में जो आया वो प्रिपेयर कर दिया, वो मैन्युफैक्चर कर दिया। यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो एक अलग से प्रॉब्लम आ रहा है। और साथ ही में हमें ये बताया जा रहा है कि जब 15 दिन का इन्वेंट्री एवरेज होल्डिंग पीरियड इंडस्ट्री में और हमारा 45 डेज का है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में तो हम जानते हैं कि कितना जल्दी वो ऑब्सोलीट हो जाता है। तो अगर वो ऑब्सोलीट हो गया तो इन दैट केस फिर उसको लिक्विडेट करते हैं ये लोग, जिसकी वजह से इनको लॉसेस भी हो रहे हैं। सो अपने को देखने को मिल रहा है कि ना तो कस्टमर सेटिस्फाइड है, ना ही इनके फाइनेंशियली बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है। सो हर जगह पर प्रॉब्लम नजर आ रही है। उसके अलावा ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग ई कॉमर्स पर चले जाएं इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो अपने को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज़ करना पड़ेगा, सारी प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग ई कॉमर्स पर जा पाओगे। तो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं इश्यूज़, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं अपन सन इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो अपन सारे इश्यूज जो अभी अपन ने डिस्कस किए वो सारे मेंशन करेंगे, उसके ऊपर अपन अच्छे से पॉइंट्स लिखेंगे। देन कमिंग टू द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अपने को सप्लाई चेन को एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट इज सप्लाई चेन? मैंने देखा है सप्लाई चेन ही लोग सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो सप्लाई चेन इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर अपन ऑर्डर ले रहे हैं तो ऑर्डर से लेकर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट को भी यहाँ पर ले लो। सो प्रोक्योरमेंट से लेकर आप कह सकते हो कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती अपने प्रोडक्ट्स की, इंक्लूडिंग द आफ्टर सेल्स which we provide, तो सारी चीजें जो comprise होती, सारी activities जो हो रही है, पूरा production का जो flow हो रहा है, वो सारी चीजों का management कहते हैं supply chain management। Alright, so ये हो गया supply chain management का explanation। उसके बाद में हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको साथ में लिंक कर सकते हो प्रॉब्लम्स जो अपन ने मेंशन करी, जो इश्यूज मेंशन करे उसके साथ में। एंड देन फाइनली लेट्स गो फॉर एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी में हमें ये बताना पड़ेगा कि सबसे पहले सन इलेक्ट्रॉनिक को कस्टमर डिमांड को ध्यान में रखना होगा, कंसिडर करना होगा और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, ना कि एडॉक, जिसकी वजह से इनका सबसे पहला प्रॉब्लम शुरू होता है। सेकेंडली, उनको प्रोक्योरमेंट जो करना है वो अलग अलग वेंडर से ना करते हुए शायद एक सिंगल पार्ट के लिए, सिमिलर टाइप के पार्ट के लिए एक सिंगल वेंडर के पास चले जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्वालिटी के ऊपर फोकस कर पाएंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट अलग से परचेज करना है तो अपने को सप्लायर के साथ में रिलेशनशिप उसी तरह से बिल्ड करना पड़ेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, प्रोडक्शन का डिले भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। देन फाइनली व्हेन यू मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद में जब आपका ऑपरेशंस हो रहा है, ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पर ये भी आ जाता है कि यहाँ पर स्टोर मैनेजर जो आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ऑर्डर जो भेज रहे हैं, उसमें भी इन लोगों को अलाउ करना चाहिए कि आप लोग एक से ज़्यादा ऑर्डर भी भेज सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑर्डर्स आप भेज सकते हो महीने में, क्योंकि आप कस्टमर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो महीने के शुरुआत में जो पसंद करता है वो महीने के एंड तक वही चीज़ पसंद करता रहे। पता चला महीने के बीच में कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया तो आपको वो नया टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसके रिक्वायरमेंट को समझ के वो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। यू टू ऑल्सो अलाउ एट द सेम टाइम द स्टोर मैनेजर, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको अलाउ करना पड़ेगा कि आप मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो महीने के अंदर।
तो ये भी आपका कवरअप हो गया। उसके बाद में आता है फाइनली अपना डिलीवरी। तो डिलीवरी पे भी आपको ध्यान देना होगा कि अपना डिलीवरी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंदर कुछ डिले तो नहीं हो रहा। अगर डिले हो रहा होगा तो लॉजिस्टिक्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और आप वेयरहाउसिंग सिस्टम को भी देखो कि वहां से जैसे कि ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो सेंट्रल वेयरहाउस पर जा रहा है, सेंट्रलाइज वेयरहाउस से डिस्पैच होने में तो टाइम नहीं लग रहा। तो ये सारी चीजों को मैनेज करो जिसकी वजह से आपका लॉजिस्टिक्स भी इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी अगर आप लोग ई कॉमर्स में चले गए तो। ई कॉमर्स में हम लोग जानते ही हैं कि कस्टमर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करते हैं, तो आपको वही मैन्युफैक्चर करना होगा। एट द सेम टाइम जो डेट आपने कमिट किया है कि इस डेट पर हम लोग आपको डिलीवर कर देंगे, उस डेट पर आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो आपका इंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सप्लाई चेन जो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, सारे प्रोसेस वर्किंग होने चाहिए और कहीं पर भी डिले कॉज नहीं करना चाहिए। एट लास्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना है, तो आपको अपने पार्ट्स की क्वालिटी पर भी फोकस करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आपको प्रोसेस में इंप्रूव करनी पड़ेगी और अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाए। इसकी वजह से आपको कई तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा आपका, उसके अलावा डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगा, उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगा, सप्लायर के साथ में रिलेशनशिप शायद इंप्रूव हो जाए आपका, प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा, उसके अलावा वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो अपने को जनरल बेनिफिट्स पता चलते हैं, उस तरह के आप कई सारे बेनिफिट्स मेंशन करके उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये हुआ कैसे। ऑलराइट, तो इस तरह से अपना केस स्टडी नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 7। लेट्स बिगिन विद केस स्टडी नंबर 7। केस स्टडी नंबर 7 इज फ्रॉम काइजन कॉस्टिंग। यहाँ पर एक जेन लिमिटेड नाम की कंपनी की बात की गई है जो कि मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 2018 में 10% था और वो फॉल हो गया है 2019 में, इट इज़ नाउ कम टू 8%। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज द राइज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द रिपेयरिंग कॉस्ट। तो रिपेयरिंग कॉस्ट का अपने को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उन्होंने बताया है कि इंक्रीज की वजह से क्या हुआ कि इनका रिपेयर कॉस्ट 1.5 करोड़ से बढ़ गया था, जो कि ऑलमोस्ट 1% था टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी का। तो यहाँ पर अपने को एक बहुत बड़ा रिपेयरिंग कॉस्ट देखने को मिल रहा है डेफिनेटली। इसके अलावा इन्होंने इसका पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। इनके 200 रिपेयर सेंटर्स है अक्रॉस द कंट्री और काफ़ी सारी सिटीज़ में अलग अलग रिपेयर सेंटर्स हैं। तो अगर मुझे एज अ कस्टमर इनके मोबाइल फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं इनके सर्विस सेंटर पर जाके अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पर डिपॉजिट करा दूंगा। वहाँ पर जो टेक्नीशियन होगा वो उसको देखेगा और एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसमें कुछ भी रिपेयर नहीं करेगा। वो उसको सेंड करता है एक दिन के अंदर 3-4 बैचेस बना के इनके सेंट्रलाइज लोकेशन पर, विच इज़ अगेन इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में छोटे से छोटा रिपेयर या बड़े से बड़ा रिपेयर सारा बॉम्बे में ही होता है। ऑलराइट, सो सेंट्रलाइज लोकेशन पर एक दिन में 3-4 बैच बना के भेजना इज डेफिनेटली कॉस्टलियर। फिर वहाँ से रिपेयर होता है तो वो भी एक दिन के अंदर 3-4 बैचेस बना के भेजते हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ रिपेयर कॉस्ट और यहाँ पर इसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो हमें ये बताना है कि काइजन कॉस्टिंग को अप्लाई करके कैसे ये रिपेयर कॉस्ट को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट काइजन कॉस्टिंग फर्स्ट। काइजन कॉस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको माइनर इंप्रूवमेंट्स करते जाना है बट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो आप छोटे से छोटा इंप्रूवमेंट भी करो पर कंटिन्यूसली करते रहो तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट काइजन कॉस्टिंग। तो उसके अपने को फीचर्स और बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे कि वो डेफिनेटली अपने वेस्ट को एलिमिनेट कर देगा, उसके अलावा अपना प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, अपन इसकी वजह से अपना कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। उसके अलावा ये बोलता है कि आपको सारे वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है यहाँ पर। तो अगर अपन इंप्लॉइज को इन्वॉल्व करते हैं तो वो लोग मोटिवेटेड भी रहते हैं, पार्टिसिपेटिव अप्रोच आ जाता है यहाँ पर। सो दिस इज ऑल अबाउट काइजन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट और उसके बेनिफिट्स। अब जाते हैं उसके इंप्लीमेंटेशन पर। तो इंप्लीमेंटेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कई बार कि काइजन कॉस्टिंग डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू एनालिसिस को या फिर वैल्यू इंजीनियरिंग को। वैल्यू इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, वहाँ से अपने को एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, फिर उसमें से स्टेप्स को कंटिन्यूस बेसिस पर छोटा छोटा इंप्रूवमेंट अपन लगाते रहते हैं, डैट इज काइजन कॉस्टिंग। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए अपने को काफ़ी सारे सवाल पूछने होंगे, जैसे कि सबसे पहले कैन वी एलिमिनेट वेस्ट। वेस्ट कितने तरह के होते हैं वो आप सभी जानते हो, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग ड्यूरेबिलिटी हटा सकते हैं या फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं के पार्ट्स को चीपर मटेरियल से, तो हमारा क्वालिटी अगर उसमें अफेक्ट नहीं होता होगा तो हम लोग चीपर मटेरियल किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। क्या हम लोग प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, क्या हम लोग दूसरी तरह से बना सकते हैं। अल्टीमेटली द एंटायर क्वेश्चन इज देयर अ बेटर वे। तो ये सारे सवाल पूछने के बाद में आपको पता चलता है इसके जवाब में से आप अपने सॉल्यूशंस निकालते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो और फिर आप लोग काइजन कॉस्टिंग के बेसिस पर यानी कि कंटीन्यूअस बेसिस पर छोटा-छोटा इंप्रूवमेंट करते रहते हो। तो इस तरह से काइजन कॉस्टिंग का इंप्लीमेंटेशन होता है। नाउ इन केस ऑफ जेन लिमिटेड हम लोग काइजन कॉस्टिंग को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
Zen Limited के केस में हम लोगों को बताना होगा कि क्या इश्यूज थे. इश्यूज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. तो वहां पर प्रॉब्लम यह है कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिपेयर कॉस्ट की वजह से ज्यादा कम हो रहा है. इट इज द रिपेयर कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 1.5 crores विच इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टर्नओवर. तो अपन लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उनका प्रोसेस जो है वो गलत है. उनके प्रोसेस के अंदर छोटे मोटे रिपेयर जो है वो भी बॉम्बे में जाके हो रहे हैं. तो अपन लोग शायद ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको 200 सेंटर्स की जरूरत है. क्या हम लोग सेंटर्स रिड्यूस कर सकते हैं? जितने सेंटर्स है वहां पर जो लोकल टेक्नीशियन होगा उसको थोड़ा काम सिखा दो, जिसकी वजह से माइनर इंप्रूवमेंट्स वो खुद ही कर पाएगा. उसकी वजह से अपना डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाएगा. डिलीवरी कॉस्ट यहां से बॉम्बे भेजने का और बॉम्बे से वापस आने का, ये दोनों कम हो जाएंगे. उसके बाद क्या होगा कि अगर आप लोगों ने वहां पर भेजा भी है तो आप दिन में एक बैच बनाइए, 3 से 4 बैच बनाने की जगह, तो आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. सिमिलरली बॉम्बे से वापस आ रहा है तो वहां से भी एक बैच बनाइए, अलग अलग बैचेस मत बनाइए, तो फिर से आपका जो डिलीवरी कॉस्ट रहेगा वो कम हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ सवाल आपको पूछने होंगे और उसका सलूशन ढूंढना होगा. उसके अलावा आपको आना होगा इस पॉइंट पर जहाँ पर आप देखो कि रिपेयर करना ही क्यों पड़ रहा है. रिपेयर करने का मतलब ये है कि अपना क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है. क्वालिटी में आप पता लगाओ कि क्या गड़बड़ है. अगर अपना पार्ट्स गलत हो रहा है तो फिर अपन सप्लायर से बात करेंगे और वहाँ से क्वालिटी पार्ट्स परचेज करेंगे, या फिर अगर अपने प्रोडक्शन में गड़बड़ है तो फिर अपन वहाँ पर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे. अल्टीमेटली अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कोई कॉमन पॉइंट है क्या जिसकी वजह से ज़्यादा रिपेयर्स हो रहे हैं, तो फिर अपन उस पॉइंट पे जाके वर्क करेंगे ताकि रिपेयर हो ही ना, रिपेयर का काम ही ना करना पड़े अपने को. तो उसकी वजह से भी अपना रिपेयर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. ओके, सो इस तरह से हम लोग काइजन कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ Zen Limited. और यहां पर अपना केस स्टडी नंबर 7 भी कंप्लीट होता है. लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 8. हियर इज केस स्टडी नंबर 8 फ्रॉम द टॉपिक टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, TPM से. ये केस स्टडी अपने को बोल रही है कि एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जिन्होंने TQM को इंप्लीमेंट किया हुआ है, बट वहां पर जो मेंटेनेंस होता है उनके प्लांट का, दैट इज डन ऑन एन एडॉक बेसिस. यानी कि जब भी ब्रेकडाउन हुआ तो फिर हमने जाके उसका मेंटेनेंस कर लिया. तो इस वजह से क्या हुआ कि पिछले 3 महीने के अंदर इनका 30% डिस्पैच डिले हो गया था, बिकॉज प्लांट में अचानक से ब्रेकडाउन हो गया और फिर 1 हफ्ते तक पूरा प्लांट बंद था क्योंकि उनको रिपेयर एक्टिविटी करना पड़ रहा था. सो मेंटेनेंस में पूरा 1 हफ्ता चले गया और 1 हफ्ते के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पाया. उसके अलावा इनको 20% रिजेक्शन भी देखने को मिला. Apart from that, the management is concerned about the increase in number of accidents of their employees, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ultimately productive time भी जा रहा है और अपने को employees का accidents भी handle करना पड़ रहा है. तो अल्टीमेटली अपन यहाँ पर TPM के ऊपर उनको बताने वाले हैं कि आप कैसे TPM को यूज़ करके ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पर इश्यूज़ क्या है और उसकी वजह से लॉसेस क्या है. इश्यूज़ ये है कि सबसे पहले तो आपका जो मेंटेनेंस एक्टिविटी हो रहा है वो हो रहा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तरह से, यानी कि एडॉक बेसिस पर आपका मेंटेनेंस होता है. तो ब्रेकडाउन हो गया, उसकी वजह से आपका टाइम लॉस हो गया, उसी की वजह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्फीरियर क्वालिटी का बनेगा. इन्फीरियर क्वालिटी का होने की वजह से आपके लॉसेस बहुत सारे हो जाएंगे. सबसे पहले यू हैव अ लॉस ऑफ टाइम बिकॉज आपका प्लांट अचानक से बंद हो जाएगा, इसी वजह से आपके वर्कर्स का आइडल टाइम बढ़ जाएगा. उसके अलावा आपका इंफीरियर क्वालिटी होने की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे क्योंकि रिजेक्शन हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का. उसके बाद आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ कि आपको हर बार सेटअप भी तो करना पड़ेगा. जितनी बार ब्रेकडाउन हुआ उतनी बार आप सेटअप करोगे तो सेटअप कॉस्ट भी आपका बढ़ता जाएगा. उसके अलावा जो यहाँ पर बताया नहीं गया है, एक तो इंप्लॉयज़ के अंदर डर बढ़ जाएगा. इंप्लॉयज़ के अंदर डर ऐसे बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं. उसके अलावा यहाँ पर अपने को बात करना पड़ेगा कि इम्प्लॉयज़ का अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर हम लोग उसका कंपनसेशन उनको देते हैं या फिर अपन उनका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा खुद बेयर करते हैं. सो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं. इसलिए अब अपन बात करते हैं TPM की. TPM ये बोलता है कि आपको फोकस करना है कि आप अपने इक्विपमेंट्स को वर्किंग कंडीशन में रखो, अपने इम्प्लॉयज़ को बताओ कि कैसे वो छोटे मोटे रिपेयर्स को खुद ही कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट TPM, जिसकी वजह से आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो रहता है उसमें कोई डिले नहीं होता, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, अपन अवॉइड कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. इसके फीचर्स क्या है कि सबसे पहले ये बोलते हैं सारे वर्कर्स को इन्वॉल्व करो क्योंकि उनको ट्रेन करना पड़ेगा. उनको ट्रेन करेंगे कि आप छोटा मोटा केयर जो है, मेंटेनेंस एक्टिविटी जो है, वो खुद ही कर लो. ठीक है, तो अगर छोटा मोटा रिपेयर चाहिए होगा तो अपने एम्प्लॉयज़ खुद ही, जो मशीन का ऑपरेटर होगा वो मशीन को खुद ही हैंडल करेगा, जिसकी वजह से आपका माइनस स्टॉप्स नहीं होगा, उसकी वजह से कोई लॉस नहीं होगा और अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफेक्ट फ्री बनेगा क्योंकि आपका मशीन वर्किंग कंडीशन में है. इसके बाद आप मेंशन कर सकते हो 7 पिलर्स APFEQTOS, अगर आपको याद होगा तो. इसके बाद हम लोग आते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस पर. तो सबसे पहले आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, जो कि अभी हो रहा है कंपनी के अंदर और बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है. इसमें क्या होता है कि एडॉक बेसिस पर मेंटेनेंस किया जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन हुआ तो एडॉक बेसिस पर मेंटेनेंस कर देंगे.
फिर होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम लोग अपने वर्कर्स को ट्रेन करते हैं कि छोटा मोटा जो भी काम होता है, जैसे कि ऑयलिंग करना या फिर बोल्ट को टाइट करना या क्लीनिंग करना, तो ये सारी चीज़ें इंप्लॉइज यानी कि ऑपरेटर्स खुद ही करें रेगुलर बेसिस पर। सो दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ही अपने इक्विपमेंट में फेलियर होने से प्रिवेंट करता है। उसके अलावा आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस ही बोलता है कि आप अपने मशीन्स को इस तरह से बनाइए, उसको और आसान बनाइए, जिसमें मेंटेनेंस एक्टिविटी करना और ज़्यादा ईजी हो जाए। देन कम्स योर मेंटेनेंस प्रिवेंशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो बोल रहे हैं कि आप फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए मेंटेन कीजिए, ओके? अब मेंटेनेंस प्रिवेंशन ये होता है कि हम लोग मेंटेन करने से भी प्रिवेंट करें, यानी कि आप अपने मशीन को ऐसे बनाइए जिसमें बार बार आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज मेंटेनेंस इज अगेन अ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, किसी तरह से वैल्यू एड नहीं करता। तो इस तरह से मशीन को बनाइए कि बार बार मेंटेन ना करना पड़े, ओके? एंड देन कम्स योर ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बट यहां पर बोल रहे हैं कि अगर छोटा मोटा रिपेयर भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम क्लीनिंग एंड बोल्ट टाइटनिंग एंड ऑयलिंग, तो वो भी ऑपरेटर्स खुद से करें। सो ये सारे तरीके से आप कर सकते हो अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के टेक्निक्स अप्लाई। उसके बाद आता है टीपीएम एंड टीक्यूएम। टीपीएम एंड टीक्यूएम में आप ये बात कर सकते हो कि जिस तरह से टीक्यूएम बोल रहा है कि आपको क्वालिटी वर्क बनाना है, तो टीपीएम बोल रहा है कि आप अपने मशीनरीज को, अपने इक्विपमेंट्स को टॉप वर्किंग कंडीशन में रखो यूजिंग टीपीएम, जिसकी वजह से आप अपने टीक्यूएम का ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट वो आप अचीव कर पाओगे, ओके? सो टीपीएम एंड टीक्यूएम को यहां पर अपन ने इस तरह से लिंक कर दिया, एंड दिस कवर्स अप योर केस स्टडी नंबर 8। अब हम लोग आ जाते हैं केस स्टडी नंबर 10 के ऊपर। केस स्टडी नंबर 9 को हम लोग देखेंगे लास्ट में, बिकॉज इट इज स्लाइटली प्रैक्टिकल। केस स्टडी नंबर 10 ये बोल रहा है कि शानदार बैंगल लिमिटेड नाम का एक कंपनी है जो कि बैंगल मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अपन जानते हैं अच्छी तरह से कि बैंगल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट्स आते हैं, बिकॉज जो वर्कर्स होते हैं उनको इस तरह की कंडीशन में वर्क करना पड़ता है जहां पर हीट बहुत ज्यादा होता है, साउंड बहुत ज्यादा होता है, विच इज नॉर्मली हायर देन द परमिसेबल लेवल्स। अब यहां पर डेफिनेटली आप लोग फर्नेस को बर्न करते रहते हो कंटिन्यूस बेसिस पर, तो वर्कर्स को इतना टाइम भी नहीं मिलता लेजर एक्टिविटी के लिए। उसके अलावा कंटिन्यूस बेसिस पर पॉल्यूशन तो होता रहता है ना, इन टर्म्स ऑफ नॉइस, एयर पोल्यूशन, गैसेस निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं और किसी तरह के एशेज निकलते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब निकलती है तो पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। इसलिए शानदार बैंगल लिमिटेड ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसका लिस्ट अपने को यहाँ पर पिंक में हाईलाइटेड दिख रहा है, सो उसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, ओके? फिर आते हैं अपन इसके सोल्यूशन के ऊपर, जहाँ पर अपने को बात करनी है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं कि ईएमए होता क्या है। ईएमए बोलता है कि आपका जितना भी कॉस्ट जनरेट हो रहा है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, उसमें से आप निकालिए, आइडेंटिफाई कीजिए, यानी कि उसमें से फिर आप भी कीजिए, एंड देन यू हैव टू टेक योर डिसीजन, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में उस पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करना है जिसकी वजह से हम लोग एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी अंडरस्टैंड कर पाए और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस ले पाए। ऑलराइट, ये होता है आपका बेसिकली ईएमए, जहां पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फिर क्वांटिफाई करते हैं और उसको फिर अपन अकाउंट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। इसकी वजह से अपने को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? सबसे पहले अपना बजटिंग इंप्रूव होता है, जहां पर अपन टारगेट सेट कर पाते हैं। फिर इसी की वजह से अपना जब कॉस्ट स्ट्रक्चर बेटर तरीके से पता चलता है तो प्राइसिंग भी इंप्रूव होता है और हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी बेहतर तरह से कर पाते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट द डिजाइन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो डिजाइनिंग बेहतर तरह से कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एनवायरमेंटल कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो भी आ जाता है। फिर अपन लोग टारगेट सेट कर सकते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा हम लोग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, जहां पर हम लोग बता सकते हैं सोसाइटी को कि हम लोग कितने ज्यादा एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके? देन कम्स योर एनवायरमेंटल कॉस्ट। इसके अंदर हम लोग देखते हैं तीन तरह की कॉस्ट। पहला होता है प्रिवेंशन, जिसमें हम लोग इनकर करते हैं कॉस्ट को ताकि हम लोग एनवायरमेंटल डैमेजेस प्रिवेंट कर सकें। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी बताया क्वेश्चन के अंदर। देन कम्स योर सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट, विच इज एनवायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट। एनवायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट ये बोल रहा है कि अगर आपको देखना है कि आप एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा मीट कर रहे हो, तो उसमें आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। दैट विल कम इनटू योर हेड ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट। इसमें आप कह सकते हो कि आपने एनवायरमेंटल ऑडिट कराया, ओके? देन कम्स योर थर्ड पार्ट, विच इज फेलियर कॉस्ट, यानी कि अगर आपने कुछ भी कंटेमिनेट कर दिया है या फिर आपने कुछ भी रिलीज कर दिया है एज अ वेस्ट, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। वो ट्रीट करने का जो कॉस्ट रहेगा वो आपके फेलियर कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, सो ये तीन तरह के अपने एनवायरमेंटल कॉस्ट भी कवर हो गए। इसके बाद आता है तरीका, जिसमें हम लोग यूज करके आइडेंटिफाई और फिर हम लोग एलोकेट भी कर सकते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट को। तो सबसे पहले होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां पर अपन लोग अलग अलग एक्टिविटीज के ड्राइवर्स निकालते हैं जो कि एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फिर हम लोग उसके हिसाब से एलोकेशन कर देते हैं। सेकंड इज इनपुट आउटपुट एनालिसिस, जहां पर ये बोल रहे हैं कि व्हाट गोज इन शुड कम आउट, यानी कि हमने जितना मटेरियल अंदर डाला उसको कंपेयर करेंगे आउटपुट के साथ में, जितना लॉस होगा वो अपना एनवायरमेंटल लॉस हो जाएगा, ओके? थर्ड वे इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट के जितने स्टेजेस होते हैं हर स्टेज का अलग अलग कॉस्ट अपन आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो दीज आर योर थ्री मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। इसके बाद बात करनी है नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन की। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन में हम लोग बात करेंगे अपने वर्कर्स की जो कि बहुत ही गंदी कंडीशन में अभी वर्क कर रहे हैं, तो अपने को यहां पर क्या करना पड़ेगा?
पड़ेगा कि अपने को वर्कर्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग कुछ मेजर्स ले सकते हैं। तो वो मेजर में क्या आ जाएगा, अपन सबसे पहले उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो खुद अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, उसके अलावा हम लोग उनका इंश्योरेंस करा सकते हैं, उसके अलावा उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करा सकते हैं। देन कम्स योर प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, जिसमें उन लोगों को और ज्यादा अवेयर किया जा सकता है। सेफ्टी किट्स हम लोग यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। देन कम्स योर सेकेंड पार्ट, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि और ज्यादा वर्कर्स को लेके आ जाओ या फिर शिफ्ट में वर्क कराओ, जिसकी वजह से उनको लेजर टाइम भी मिलता रहे। सो ये हो गए आपके मेजर्स टू कीप योर एम्प्लॉय सेफ एंड हेल्दी, जिसकी वजह से उनका मोरल जो रहेगा वो बूस्ट होते जाएगा और वो और बेहतर तरह से काम कर पाएंगे। सो दिस कवर्स अप योर केस स्टडी नंबर 10 फ्रॉम ईएमए। इसके बाद हम लोग चलते हैं केस स्टडी नंबर 11 के ऊपर। लेट्स बिगिन विद केस स्टडी नंबर 11। केस स्टडी नंबर 11 इज फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल कंसीडरेशंस। यहां पर अपने को केस के अंदर बताया है कि द कंपनी इज डिसाइडिंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ सेटिंग अप अ न्यू केबल वायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 करोड़ का नेट प्रेजेंट वैल्यू इसे अर्न करेंगे 20 साल की लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में। 17.5% का IRR कैलकुलेट किया है, विच इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। उसके अलावा अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया है कि 70% ऑफ द लेबर वुड बी हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ओनली, और इसमें से भी ज्यादातर करके इमिग्रेंट्स वर्कर्स रहेंगे जो नेबरिंग कंट्रीज से आएंगे, और इनको 15% लेस वेज पे किया जाएगा कंपेयर टू द अदर वर्कर्स। इनके रिटायरमेंट फंड्स में भी हम लोगों को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द लैंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। तो इन्होंने सोचा है कि लैंड अक्वायर करेंगे एक फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर, जहां पर ऑल्दो कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बट दे आर थिंकिंग कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करके और उनको ब्राइब करके ये प्लांट को अक्वायर कर लेंगे। इसके अलावा हमें बात बताई जा रही है कि साथ में जो वेस्ट यहां पर क्रिएट होते जाएगा उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे इन अ नियर बाय रिवर में ट्रीटमेंट करने के बाद में डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। सो ट्रीटमेंट प्लांट अलग से इनको सेटअप करना पड़ेगा, विच वुड कॉस्ट देम अबाउट 100 crores। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अपने को दे दिया गया है। द कंपनी इज बेसिकली लुकिंग एट द 200 crores NPV एंड 17.5% IRR। तो बेसिकली वो लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंसिडरेशन पर ही फोकस कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन में कौन कौन से आ जाएंगे अपन उसको एक बार मैंशन कर देते हैं, फिर अपन बताते हैं कि इस पूरे केस सिनेरियो के अंदर कौन कौन से इशूज हैं। तो सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन में आ जाता है अपना स्टाफ मोटिवेशन, क्योंकि बात शुरू वहीं से हुई थी। स्टाफ मोटिवेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अपन केस के अंदर देख सकते हैं कि उनके 70% लेबर जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगा, यानी कि कोई फिक्स्ड इनकम उनकी होगी नहीं, क्योंकि उनको हायर नहीं किया जा रहा है ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो जब पेरोल पर नहीं रखेंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होंगे तो जब जरूरत हुई बुला लिया, जब जरूरत नहीं हुई तो उनको नहीं बुलाया, जिसकी वजह से वो लोग मोटिवेटेड नहीं होंगे। इफ यू टॉक अबाउट द लेटेस्ट कंडीशन, तो हम लोग कोरोना के टाइम पर देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। तो जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज रहे होंगे वो लोग भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए होंगे, क्योंकि उनको भी अब थोड़ा सा डर होने लगा होगा कि पता नहीं कब हमें ऑर्गेनाइजेशन ले ऑफ कर देगा, राइट। सो स्टाफ मोटिवेशन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने को इस तरह के नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पर फोकस करना पड़ेगा जिससे स्टाफ मोटिवेशन ज्यादा रहे, और पार्टिसिपेटिव अप्रोच अगर अपन लेके आते हैं तो उसमें अपने को हेल्प मिलेगी। देन कम्स योर अवेलेबिलिटी ऑफ द साइट। तो अपने को प्रोजेक्ट साइट का अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा कि अपने पास पोटेंशियल लोकेशंस कौन कौन सी है। उसी के साथ में अपने को लॉजिस्टिक्स और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल और मैन पावर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो साथ में लॉजिस्टिक्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वहां से आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे और अपना जो प्रोडक्ट रहेगा फिनिश प्रोडक्ट उसको भी सेल करोगे, राइट। सो लॉजिस्टिक्स एंड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, मैन पावर अवेलेबिलिटी और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों का आपको अवेलेबिलिटी पहले से चेक करना चाहिए। Then let's talk about ethics. Ethics में अपन लोग यहां पर mention कर सकते हैं कि ये लोग try कर रहे हैं कि government officials को bribe किया जाए और फिर plant को acquire किया जाए। तो ethically act करना चाहिए किसी भी organization को, transparent और fair manner में उनको अपनी dealings करनी चाहिए। फिर आता है आपका government regulations। तो forest area में तो available नहीं है site, क्योंकि वहां पर allowed ही नहीं है commercial activity। तो government regulations के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, relevant laws कौन कौन से हैं, for example child labor हो गया। इसके अलावा आता है आपका environmental factor। Environment के अंदर आपको यहां पर देना पड़ेगा ध्यान, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि ये लोग अगर डिस्पोज करते हैं इनके वेस्ट को इन द नियर बाय रिवर, तो फिर अफेक्ट करेगा आसपास की पॉपुलेशन को, जिसकी वजह से उनकी तरफ से प्रोटेस्ट आ सकता है, एनवायरमेंटलिस्ट भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। पेनल्टीज भी साथ में इंपोज की जा सकती है। एंड लास्ट में हम लोग बात कर सकते हैं CSR की, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। सो ये होते हैं सारे नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। अपने को इस केस के अंदर मल्टीपल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले अपन आते हैं लेबर और इथिक्स के ऊपर। पेमेंट अगर अपन नहीं कर रहे हैं लेबर को, यानी कि 15% लेस पे कर रहे हैं इमिग्रेंट्स को, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे वर्कर्स को इक्वल पेमेंट करना चाहिए। उसके अलावा हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट में भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, दिस कुड एक्चुअली हैव अ लीगल इंपैक्ट। उसके अलावा हम लोग क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ये ऑल्सो इथिक्स को भी इन्वॉल्व करता है, तो अपने को उसके ऊपर भी पॉइंट मेंशन करना चाहिए।
देन कम्स योर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड ड्राइवरी. तो हम लोग पहले ही फॉरेस्ट एरिया में अगर अपना लैंड सेटअप करते हैं, प्लांट सेटअप करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी वहां पर अलाउड नहीं है. इसके लिए अगर हम लोग ब्राइब करते हैं ऑफिशियल्स को तो वो गलत हो जाएगा बिकॉज दिस इज इलीगल और इसकी वजह से हमारे ऊपर लिटिगेशन भी हो सकता है. अगर ये पूरा इंफॉर्मेशन बाहर आ गया तो मीडिया इसको हाईलाइट कर देगी और हमारा रेपुटेशन विल गो फॉर अ टॉस. देन लेट्स टॉक अबाउट केमिकल वेस्ट. केमिकल वेस्ट अगर डिस्पोज किया नियर बाय रिवर के अंदर तो एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, नियर बाय रेसिडेंट्स जो होंगे वो भी आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए. अल्टीमेटली हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि वी शुड सेट अप अ न्यू ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें 100 करोड़ लगेंगे पर फिर भी चल जाएगा बिकॉज यहां पर लॉन्ग टर्म व्यू से हमें सोचना चाहिए. सो इस तरह से आपका केस स्टडी नंबर 11 भी होता है कंप्लीट. लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 12. Let's begin with case study number 12. Case study number 12 is again from financial measurements and non-financial measurements. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक organization है, उसके अंदर performance related pay किया जाता है. So अभी company के अंदर issue ये हो रहा है कि they are facing critical issues with related to their motor vehicles जो कि वो लोग manufacture sell करते हैं. लास्ट ईयर में ही उनको 200,000 व्हीकल से ज़्यादा रिकॉल करने पड़े क्योंकि क्वालिटी इश्यूज वहाँ पर देखे गए थे. फॉल्टी गियरबॉक्स, इश्यूज विद एक्सल, ब्रेकिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ों में इशू पाया गया था. इसके अलावा इन लोगों को पेनलाइज भी किया गया था फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द एमिशन नॉर्म्स. तो ये सारी चीज़ों का इशू देखा गया. सबसे पहला इशू ये था कि इनका जो मटेरियल और पार्ट का क्वालिटी था वो बहुत कम था और उसके अलावा उन्होंने कुछ एमिशन चेक्स को भी इग्नोर कर दिया था. वो किया नहीं था क्योंकि जल्दी डिस्पैच करना था और कम रिसोर्सेज को यूज़ करना था. अल्टीमेटली इसकी वजह से उनको लगता है कि फ़ायदा हुआ होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा. बट नाउ द बोर्ड इज़ कंसर्न विद द रेपुटेशनल रिस्क. तो हमें बात करना होगा इश्यूज़ के ऊपर, फाइनेंशियल मेजरमेंट्स के ऊपर, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. अगर अपन नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट्स पर जाते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे. एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव मेजर. तो सबसे पहले इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं. इशू ये है कि ये लोग क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं. सबसे पहले तो इनको 200,000 से ज़्यादा व्हीकल रिकॉल करने पड़े. नाउ दिस वाज ओनली एंड ओनली बिकॉज कि उन लोगों ने क्वालिटी रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं किया. देयर रॉ मटेरियल वाज ऑफ डीग्रेडेड क्वालिटी. तो उसके बाद अपने को दूसरी चीज़ यहाँ पर पता चली, वो है कि एमिशन नॉर्म्स कंप्लाई नहीं करने की वजह से उनको पेनलाइज किया गया. पेनलाइज इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने स्किप कर दिए थे कुछ क्वालिटी चेक्स को. ऑलराइट, ये हो गए अपने इश्यूज. लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मेजर्स. फाइनेंशियल मेजर्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. दैट इज योर शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल मेजरमेंट्स पर तो ध्यान देना ही होगा. फाइनेंशियल मेजरमेंट्स कैसे अपन देख सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, उसके अलावा कॉस्ट, बजट से कितना वेरियंस रह रहा है, रिटर्न्स कितने हो रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें आती है आपके फाइनेंशियल मेजरमेंट्स के अंदर. बट ये सारी चीज़ों के पीछे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि उन्होंने लो क्वालिटी पार्ट्स यूज़ किए टू सेव कॉस्ट. उसके अलावा उन्होंने कुछ क्वालिटी चेक्स को इग्नोर कर दिया जिसकी वजह से उनको कम रिसोर्सेज यूज़ करना पड़े एंड अल्टीमेटली दे सेव टाइम एंड ऑल्सो मनी. तो ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल रही है. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि वन, इट इज़ वेरी इजी टू क्वांटिफाई एंड मेजर, देन यू कैन ऑल्सो कंपेयर. उसके अलावा आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी वही होता है विच इज़ वेल्थ क्रिएशन. तो ये हो गए एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ये कंप्लीटली इग्नोर कर देता है लॉन्ग टर्म व्यू को. उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जा सकती हैं यहाँ पर. तो डिसएडवांटेजेस भी अपने को देखने को मिल जाते हैं फाइनेंशियल मेजरमेंट्स के. बट इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो तो यही है कि वो लॉन्ग टर्म अप्रोच को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है. वही हो जाता है एडवांटेज ऑफ नॉन फाइनेंशियल मेजर क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर फोकस करता है. और उसके अलावा अपने को देखने को मिलता है कि वो सारे के सारे चीज़ों को मेजर करता है, यानी कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और उसको मेजर किया जाता है. बट डेफिनेटली देयर कम्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ द नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट्स. वो ये है कि इसको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है, सब्जेक्टिव हो जाते हैं ये, और उसके अलावा इसको मेजर करना भी डिफिकल्ट होता है, बहुत सारा डेटा चाहिए होता है. सो इस तरह के डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं. बट अब अपन बात करें अगर ऑल्टरनेटिव मेजर की, तो अपन यहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड की बात कर सकते हैं. बैलेंस स्कोर कार्ड फाइनेंशियल मेजरमेंट्स को भी फोकस करता है उसके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर. उसके अलावा वो कस्टमर पर्सपेक्टिव पर भी ध्यान देता है, जहाँ पर हम लोग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उसको क्या चाहिए और वो प्रोवाइड करते हैं. और ये दोनों ही चीज़ों के लिए अपने को ध्यान देना पड़ता है, अपने क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस के ऊपर, जिसको अपन देखते हैं इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंदर. देन कम्स योर लर्निंग एंड ग्रोथ, जहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी और उसके अलावा ट्रेनिंग्स एंड इनोवेशन, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं. सो ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती है ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट सिस्टम विच इज़ बैलेंस स्कोर कार्ड, उसके अंदर जो कि फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर कर लेता है.
तो अगर अपने को ये सारी चीज़ों को अचीव करना है तो अपने को हर पर्सपेक्टिव के अंदर एक CSF आइडेंटिफाई करना चाहिए, उससे रिलेटेड KPI आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर हम लोग फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो CSF क्या हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग कमाएं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो जाएगा कि आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हो, आपका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम द नंबर वन कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर तो आप देखोगे कि आपका मार्केट शेयर कितना बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड आप देखने लगोगे। उसके बाद आता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, तो कस्टमर पर्सपेक्टिव के अंदर हम लोग बनना चाहेंगे कस्टमर की सबसे पहली चॉइस। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हम लोग कितना ज़्यादा सेल कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग रिकॉल नहीं करना चाहेंगे तो कितने रिकॉल करने पड़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव की तो हम लोग TQM को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे अपना प्रोसेस इंप्रूव होता है, और वो बात करता है कि डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डिफेक्टिव हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कस्टमर्स कितने रिटर्न करने आ रहे हैं। एट द सेम टाइम वी वॉन्ट जीरो आइडल टाइम, तो जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेटिंग टाइम लग रहा है अपने इंप्लॉइज़ को, तो जीरो आइडल टाइम भी वहाँ से पता चल जाता है। देन कम्स योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, तो इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। डेफिनेटली वी वॉन्ट टू बी अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी, तो हम लोग देख सकते हैं कितना टाइम हमने स्पेंड किया रिसर्च में, कितने तरह के नए व्हीकल्स प्रोड्यूस किए। ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट स्टाफ डेवलपमेंट, तो वहाँ पर देखेंगे कितने घंटे का ट्रेनिंग अपने स्टाफ ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आपके CSF और KPI के अंदर आ जाती है। एंड अगर हम लोग को अप्लाई करना होगा तो CSF और KPI को अच्छे से लिंक कीजिए अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ में, और उसकी वजह से आप लोग अपने फाइनेंशियल फैक्टर्स पर भी फोकस कर पाओगे और अपने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पर भी फोकस कर पाओगे। सो इस तरह से अपन इशू को रिजॉल्व करते हैं। ये होता है अपना केस स्टडी नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 13। लेट्स बिगिन विद केस स्टडी नंबर 13। केस स्टडी नंबर 13 इज फ्रॉम बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। यहाँ पर ग्रैब एंड गो नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है जिनके काफ़ी सारे फूड चेन्स हैं। तो फूड चेन्स होने की वजह से वो लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग कुछ इनोवेटिव करना है, दैट इज वाई दे वॉन्ट टू गो इन टू हेल्दी फूड सेक्टर। ऑलराइट, अभी तक अपने को चीज़ें क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर, मेजर इशूज़ ये हैं कि देयर मेजर डिसीजंस रिलेटेड टू द मेन्यू, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एवरीथिंग, प्राइसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सेंट्रलाइज्ड होता है। तो सेंट्रलाइज्ड टीम, इनका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है। उसके अलावा फूड जॉइंट्स में एक बेसिक प्रॉब्लम देखी जाती है, वो ये है कि स्टाफ जो है वो ऑर्डर टेकिंग के टाइम पे उसके पैड में नोट डाउन करता है, यानी कि वो मैन्युअली करता है सारी चीज़ों को और वो फिर लेके जाता है उस ऑर्डर को किचन के अंदर। बट ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सबसे पहले दे कुड बी एरर्स इन टेकिंग डाउन द ऑर्डर। सेकेंडली हो सकता है कि अपने स्टाफ जो ऑर्डर ले रहा है उसको पता ही नहीं है कि कोई आइटम अवेलेबल है या नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग पूछते हैं कि इस आइटम के अंदर, इस मेन्यू आइटम के अंदर क्या कंटेंट रहेगा, तो उसको वो भी पता नहीं होता है। एंड देन एट लास्ट ये भी हो सकता है कि डिले हो रहा है डिलीवरी करने में, यानी कि कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, वापस से उसको खाना आते तक वो बहुत ठंडा हो चुका है और डिलीवरी में डिले हो गया। सो इस तरह की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो देखे जाते हैं रेस्टोरेंट के ऊपर, वो सारे यहाँ पर मेंशन किए हैं। मैनेजमेंट ने बोला है कि हमें हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए अक्रॉस ऑल द ब्रांचेज एंड द फ्रेंचाइजीज, इसलिए उन लोगों ने एक इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया है और वो जाके चेक करेगा। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वॉन्ट टू कंप्लाई विद द एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस। तो अपने को बात करनी है कि अपन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट्स की, राइट? रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट्स में आता है आपका सबसे पहले रिजल्ट्स, जो कि दो होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोग वही प्रॉफिट रेशियो, अपना रिटर्न, उसके अलावा बजट से कितना कंप्लाई कर रहे हैं, कितना उसमें वेरियंस निकल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जाती है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, यानी कि आप जो भी कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। उसके अलावा कितनी सारी आपकी ब्रांचेस है, कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के आपके पास क्यों आते हैं, हेल्दी फूड सेक्टर में आप कितना अच्छा कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस के अंदर आ सकती है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर आता है फिकर, FIQR। एफ से आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में ये बात अपन कर सकते हैं कि ग्रैब एंड गो के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, यानी कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है क्या कि वो अचानक से अगर डिमांड बढ़ जाए तो नए स्टाफ को हैंडल कर सकता है, मतलब नए स्टाफ को हायर करके इतनी सारी डिमांड को हैंडल कर सकता है। सो ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। या फिर अचानक से अगर किसी नए तरह के आइटम का इनोवेशन हो गया या नए तरह का आइटम का डिमांड बढ़ गया, तो क्या वो उसको इमीडिएटली सीख के प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। फिर आता है आपका आई से इनोवेशन। इनोवेशन के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि ग्रैब एंड गो को कुछ नई चीज़ें बनानी चाहिए हेल्दी फूड सेक्टर के अंदर। हेल्दी में बेसिकली ये माना जाता है कि हेल्दी है तो टेस्ट नहीं है, तो ये लोग इस बात पर ध्यान दे सकते हैं या फिर इस तरह से एक कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं कि हेल्दी है तो टेस्टी भी है।
ओके सो इस तरह से वो लोग वर्कआउट कर सकते हैं. देन कम्स योर क्यू विच इज क्वालिटी. क्वालिटी के ऊपर इनको फोकस करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा रॉ मटेरियल परचेज करें, क्योंकि खाने के अंदर तो क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. तो उनको रेगुलर बेसिस पर चेक्स भी करते रहना चाहिए. उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी सेटअप किया है, विच इज वेरी गुड. एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी वो लोग ले सकते हैं और इसको प्रमोट भी कर सकते हैं. देन कम्स योर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास में जितना भी रिसोर्सेज है उससे आप क्या क्या बना सकते हो. डेफिनेटली ये बात शेफ्स के अंदर चलती है, रेस्टोरेंट्स के अंदर चलती है, कि आप कम से कम सामान में कितना ज्यादा तरह का आइटम बना सकते हो. और इस तरह के आजकल वीडियोस कई सारे चलते हैं यूट्यूब के ऊपर, विथ लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स यू कैन प्रोड्यूस दिस, यू कैन क्रिएट दिस. तो इस तरह से रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए ग्रैब एंड गो को. तो वो लोग कम से कम मटेरियल में कितना अच्छे तरह से काम कर सकते हैं, दैट विल कम अंडर योर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. फिर आते हैं अपन स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड्स के ऊपर. तो स्टैंडर्ड्स में आता है आपका सेओआ, ओके, इक्विटी, यानी कि आपके सारी ब्रांचेस और सारी फ्रेंचाइजीज को और आपके जितने तरह के लोग हैं, जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, उन सबके लिए बेंचमार्क्स जो रहेंगे वो इक्वली चैलेंजिंग होनी चाहिए, चाहे वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग हो यानी कि शेफ्स, या फिर वो ऑर्डर टेकिंग स्टाफ हो, या फिर अलग अलग ब्रांचेस के हेड्स हो. तो ये सारे लोग जो रहेंगे उनके लिए जो बेंचमार्क्स होते हैं वो इक्वली चैलेंजिंग होने चाहिए. आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जितना आपको कॉस्ट में कमी चाहिए वो आपको प्रोक्योरमेंट ही लाके दे, या फिर एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो लुक फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन बाय योर शेफ्स. तो ये सारी चीजें आपको इक्विटी में सेट करनी पड़ेगी. फिर आता है आपका ओ से ओनरशिप. यहां पर अपन लोग बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अगर वो कुछ काम कर रहा है तो. ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है यानी कि कुछ प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए तो डेफिनेटली शेफ्स रिस्पॉन्सिबल होंगे ना. अगर क्वालिटी की बात की जाए तो उसके लिए शेफ्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा. इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकते हैं हर पर्सन की, कि वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको वो ओनरशिप लेना पड़ेगा. सो दैट इज ओनरशिप. और फिर आता है अचीवेबिलिटी, कि अगर आप कोई सा भी टारगेट सेट करते हो तो वो अचीवेबल होना चाहिए. अचीवेबल नहीं होगा इन दैट केस फिर आपका जो स्टाफ रहेगा वो डीमोटिवेट हो जाएगा. अचीवेबिलिटी के साथ में इट शुड बी प्रेफरेबली क्वांटिफायबल, जिसकी वजह से लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि उनको उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. ऑलराइट, देन कम्स योर रिवॉर्ड सिस्टम. रिवॉर्ड के अंदर आता है आरएमसीसी. सबसे पहले आता है मोटिवेशन. मोटिवेशन आपको उनको देना पड़ेगा. मोटिवेशन कैसे दे सकते हो आप? उनको मोटिवेट किया जा सकता है अगर उनको अच्छे टारगेट सेट करके दिया जाए तो. ओके, बेंचमार्क अगर आपने अच्छे सेट किए तो वो मोटिवेटेड रहेंगे कि उसको अचीव करें. अगर वो अनरियलिस्टिक हो गए, अनअचीवेबल हो गए, तो फिर उन लोगों का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा. बहुत ईजी हो गए तो भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा. ओके, सो मोटिवेशन देने के लिए उनको टारगेट्स अच्छे से सेट करके देने चाहिए. देन कम्स योर क्लैरिटी. सी से आता है क्लैरिटी. क्लैरिटी हम लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी भी तरह का रिवॉर्ड सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस करते हो तो उस पूरे पैकेज को क्लियरली कम्युनिकेट करो अपने स्टाफ के साथ में. उनको पूरी चीज का आइडिया होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो किस बेसिस पर रिवॉर्ड किए जाएंगे. एंड देन एट लास्ट कम्स योर कंट्रोलेबिलिटी. कंट्रोलेबिलिटी में हम लोग बोलते हैं, ये बोलते आए हैं हमेशा, कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स पर ही आप लोग उनके परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए. अगर आपने नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स पर मेजर किया तो फिर इन दैट केस क्या होगा कि ये तो वो लोग सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग करने लग जाएंगे, या फिर आप लोग उनको अननेसेसरीली रिवॉर्ड या फिर पनिश करने लग जाओगे. ऑलराइट, सो कंट्रोलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कंट्रोलेबल फैक्टर्स पर ही उनको असेस करना होगा, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा. दिस कवर्स अप योर केस स्टडी नंबर 13. लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 14. यार, जो केस स्टडी नंबर 14 फ्रॉम परफॉर्मेंस प्रिज्म, इस केस स्टडी के अंदर हमें बताया जा रहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कस्टमर्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो इन्वेस्टर और कस्टमर तो सेटिस्फाई हो गए. फिर आता है कंपनी ने विटनेस किया है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो इन द रीसेंट पास्ट, जिसका रीजन हमें बताया गया है कि एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है टू परफॉर्म वेल एंड इंप्रूव कस्टमर सर्विस, बट उन लोगों को एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम द प्रोसेसेस. अकॉर्डिंगली ऑल्सो द ट्रक ड्राइवर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उन लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा जा रहा है और कोई रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं दिया जा रहा. इन द लास्ट वन ईयर दे हैव सेट ऑन स्ट्राइक्स फॉर 3 times. तो ये सारे इश्यूज अपने को डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर. सो लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस प्रिज्म, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रिज्म एक ही ऐसा तरीका है जिससे हम लोग सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं. ओके, सो परफॉर्मेंस प्रिज्म ये बोल रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक स्टेक होल्डर पर या दो स्टेक होल्डर पर ध्यान नहीं देना है, आपको सारे स्टेक होल्डर्स पर फोकस करना होगा. सो योर इन्वेस्टर्स आर हैप्पी, योर कस्टमर्स आर हैप्पी, बट वॉट अबाउट योर एम्प्लॉयज, वॉट अबाउट द ट्रक ड्राइवर्स? ऑलराइट, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स को अपने को ध्यान देना पड़ेगा, और इसलिए परफॉर्मेंस प्रिज्म को अपन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. परफॉर्मेंस प्रिज्म ये बोलता है कि आप 5 facets में वर्क करो. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन क्या है, यानी कि स्टेक होल्डर का रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करना पड़ेगा. तो अपने केस में क्या हो रहा है कि अपने को एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने के लिए उनका या तो पे इंक्रीज करना चाहिए या फिर उनके ऊपर प्रेशर कम करना चाहिए बाय हायरिंग मोर नंबर ऑफ पीपल, और उसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स का इशू भी अपने को रिजॉल्व करना चाहिए.
फिर आते हैं अपन सेकंड फेसेट पे, जो कि बात करता है स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी कि अपन बोल रहे हैं कि अगर स्टेक होल्डर हमसे कुछ चाह रहे हैं तो हमें भी बताना पड़ेगा कि हम लोग स्टेक होल्डर से ये चाहते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, इफ़ यू आर गिविंग देम बेटर पे, तो उन लोगों का एफिशिएंसी इंक्रीज होना चाहिए और उन लोगों को और बेहतर तरह से परफॉर्म करना चाहिए। अकॉर्डिंगली इफ़ यू आर ऑल्सो हायरिंग द ट्रक ड्राइवर्स, तो उन लोगों को डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, बट ये सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे स्टेक होल्डर्स का नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो टेकिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर साइड। तो इन आर केस, इन द केस ऑफ दिस कंपनी, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप लोग एक स्ट्रैटेजी बनाए कि कैसे उसको अपन इंप्लॉय कर सकते हैं, बेटर पे दे सकते हैं और उसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। फिर चाहिए हमें प्रोसेसेस, तो प्रोसेस में हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसे अपन स्ट्रैटेजी को फुलफिल करेंगे, राइट? सो अपने केस के अंदर हमें रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें हम लोग रिक्रूट कर सकते हैं। उसके अलावा पे इंक्रीज करने का प्रोसेस अपने को लाना पड़ेगा, एचआर सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा ताकि अपन प्रेशराइज ना करें अपने एम्प्लॉयज को। ये सारी चीजें हो गए प्रोसेस। एट लास्ट आता है आपका कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी ये बोलता है कि आपने प्रोसेस तो बना लिया, अपना प्रोसेस कैसे रन करोगे अगर आपका कैपेबिलिटी होगा ही नहीं। तो आपके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए टू रन योर प्रोसेस ताकि आप स्ट्रेटजी अचीव कर पाओ। तो कैपेबिलिटी हमारे केस में क्या हो जाएगा कि हमारे पास में इतना पैसा है क्या कि हम लोग एक्चुअली में बेटर पे दे पाए अपने इम्प्लॉयज़ को, या फिर हम लोग ट्रक ड्राइवर्स को अपने पेरोल पर रख पाएं ताकि उनको रेगुलर पेमेंट करते रहें। सो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और इस तरह से हमारा सॉल्व होता है केस स्टडी नंबर 14। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 15। हियर इज केस स्टडी नंबर 15 जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉटम लाइन की। इस केस स्टडी के अंदर हमें बताया गया है कि एक कंपनी जो कि पेपर बनाती है, जिसका एक पेपर मिल है, तो डेफिनेटली उसको पल्पवुड की रिक्वायरमेंट होती है और वो प्लांटेशन जो है वो उस फैक्ट्री के आसपास ही है। तो इस मिल में बात चल रही है कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तो बहुत सिंपल हो गई और इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर आसपास जो रहने वाले लोग हैं, एक तो उनसे प्रोक्योरमेंट किया जाता है, उसके अलावा उस कम्युनिटी से 40% स्टाफ आता है, यानी कि मिल के अंदर 40% स्टाफ उस लोकल कम्युनिटी से रहने वाला है। नाउ द कंपनी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि उनको फूड प्रोवाइड करना, क्लोथिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है और उस पूरे लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट कर रहा है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और बताई गई है, वो ये है कि इनके पूरे काम की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से कुछ वेस्ट वाटर जनरेट होता है जो कि ये डिस्चार्ज करते हैं एक रिवर के अंदर जो कि पास से बहती है। वो रिवर के अंदर डिस्चार्ज करने की वजह से पूरा पानी पल्यूट हो जाता है। तो इसके ऊपर अपने को एज एन अकाउंटेंट पूरा रिपोर्ट जनरेट करना है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्यों हमें ट्रिपल बॉटम लाइन को यूज़ करना चाहिए। सो अकाउंटेंट का, यानी कि अपना आंसर यहाँ से शुरू होता है। सो अकाउंटेंट का ये कहना है कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट जरूरी है क्योंकि अपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स है जिनका रिक्वायरमेंट होता है कि उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि अपने शेयर होल्डर्स हो गए या फिर अपने सप्लायर्स हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए। ओके, बट जब अपन बात करते हैं बाकी स्टेक होल्डर्स की, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया या फिर हमारे कस्टमर्स हो गए या फिर सोसाइटी हो गई या फिर एम्प्लॉयज हो गए, तो उन लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर नहीं होगा, उनका फोकस एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट पर भी होगा। तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को भी तो कैटर करना चाहिए। तो ये वाली बात निकल के आती है जब अपने को बताया जाता है कि हमें ट्रिपल बॉटम लाइन को यूज करना चाहिए। जैसे कि यहां पर अपने को एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है और वो डिस्चार्ज कर रहे हैं रिवर में और वो रिवर पूरी तरह से पल्यूट हो रही है, जो कि एक्चुअली प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है फॉर द लोकल कम्युनिटी, तो इसकी वजह से एक हेल्थ रिस्क निकल के आती है। अब इस चीज के अंदर गवर्नमेंट को निकल के आना पड़ता है क्योंकि वो लोग क्लीनिंग का काम करते हैं। सो वो लोग अगर रिवर का क्लीनिंग देख रहे हैं तो वो लोग कॉस्ट भी इनकर कर रहे होंगे। सो अकाउंटेंट का यह कहना है कि अगर हम लोग पल्यूट कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी हमें बेयर करना चाहिए रैदर देन गवर्नमेंट। तो हमें उस कॉस्ट को एलोकेट करना चाहिए अपने टोटल कॉस्ट के अंदर और उसके बाद हमारा प्राइसिंग भी उससे अफेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर अपन थोड़ा सा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी लेकर आ गए। ओके, सो ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग ये बोल रहा है कि अपन इस चीज को रिपोर्ट करते हैं कि हम लोग कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो वो हमें रिपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज जब तक हम लोग बताएंगे नहीं सोसाइटी को तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लोग क्लोथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये अपने एक रिपोर्ट में डाल सकते हैं कि इन्होंने इतना खर्चा इसमें किया था जिसकी वजह से इतना बेनिफिट पहुंचा इनके एम्प्लॉयज को या लोकल कम्युनिटी को, राइट? तो कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं होता ये सारी चीजों को मेजर करने का, बिकॉज दिस कवर्स अप योर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑल्सो। बट यहां पर अपने को GRI स्टैंडर्ड्स को यूज करने को एडवाइस किया गया है। GRI इज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। अभी ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने कुछ मेट्रिक्स सजेस्ट किए हैं जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग। सो आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को ट्रिपल बॉटम लाइन के साथ में याद कर लीजिएगा, GRI। अगर आपको लिखना है कि मेट्रिक्स कौन से फॉलो करना है तो आप लिख सकते हैं GRI वाले मेट्रिक्स फॉलो करने का एडवाइस है। ओके, सो ट्रिपल बॉटम लाइन को अगर अपन यूज करेंगे तो हम लोग एक्चुअली अपने
रिपोर्ट में ये चीज डाल सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो अपना होता ही है, अपना पूरा का पूरा एनुअल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होता है, जो कि एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर्स की नीड को सेटिस्फाई करता है, बट बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन नीड्स को अपन कैसे सेटिस्फाई करेंगे। सो वी कुड यूज ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क, और ये चीज लिखी गई है इस केस स्टडी के अंदर। सो दिस कवर्स अप केस स्टडी नंबर 15 एंड लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 16। लेट्स बिगिन विद केस स्टडी नंबर 16, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क की, जिसमें 3 E's आते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इस केस स्टडी के अंदर हमें बताया गया है कि लोकल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है टू क्लीन अप द बीचेस यूजिंग द बीच क्लीनिंग मशीन्स। ये मेंटेन करेगा पूरा का पूरा डेटा, जिसमें वो मेंटेन करेगा कि कितना एरिया उसने क्लीन किया, कितने टाइम के अंदर क्लीन किया, कितनी मशीन्स उसने यूज करी, और ये सारा डेटा जो मेंटेन करेगा उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल जाके चेक करेगा और साइन करेगा, ताकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी रहे ये, और उसके हिसाब से इसको पेमेंट किया जाता है। देन देर इज अनदर प्रोसेस, जहां पर म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स जाकर बीच पे रखे हुए बिन्स को क्लीन करते हैं हर सुबह, इसका भी पूरा डेटा मेंटेन किया जाता है कि कितने रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए। देर इज अनदर प्रोसेस जिसके अंदर ये बात की गई है कि कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक का पर्सन जाके मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू एक फोटो खींच के सेंड कर सकता है या फिर मैसेज सेंड कर सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जहां पर वो बताएगा कि कितना कचरा कहां पर रखा हुआ है बीच पर। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिपार्टमेंट का बंदा आके उसको साफ करके जाएगा। सो ये 3 प्रोसेस वर्क कर रहे हैं, और इसके बाद हमें बताना है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे वेदर द एंटायर ऑपरेशन इज इकोनॉमिकल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो ये चीजों को अपन लेके चलते हैं वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क में। सबसे पहले आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी क्या होता है कि हम लोग जो भी करने वाले हैं उसको कम से कम कॉस्ट में फुलफिल कर दें। सो दैट इज इकोनॉमी। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हमने कितना पेमेंट किया था जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है। तो अपन ने टेंडर के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो अलग अलग होंगे उनसे हमने टेंडर्स मंगाए होंगे, उसमें से हम लोगों ने सिलेक्ट किया होगा। सो दैट विल ऑल कम अंडर योर इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में हम लोग ये बोलते हैं कि आप जो भी करने वाले हो, यानी कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप फुलफिल करोगे कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके, यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट। तो वो आप देख सकते हो, अपने लॉग्स अपन ने मेंटेन करके रखे हैं, पूरा हर ऑपरेशन का लॉग अपन ने मेंटेन किया हुआ है। तो वहां से आप निकालोगे कि कितने टाइम में, कितने रिसोर्सेज में हम लोग कितना एरिया क्लीन कर पा रहे हैं। ये पूरा डेटा आप लोग एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप एफिशिएंट हो या नहीं हो। सो इफ आपके लॉग्स के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपके कॉन्ट्रैक्टर ने, म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स ने कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एरिया क्लीन किया है और प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, उसके अलावा हम लोगों ने ये सारी चीजों को कम से कम कॉस्ट पर किया है, तो आप कह सकते हो कि आप इकोनॉमिकल भी हो और एफिशिएंट भी हो। ओके, बट फिर अगर अपन बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिवनेस किसको कहेंगे, यानी कि बीच को क्लीन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क, यानी कि आप हर चीज को क्लीन नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, अगर अपन बात करते हैं जुहू बीच की, तो आप कितनी चीजों को क्लीन करोगे, वहां पर तो इतना कचरा होता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्लीन एवरीथिंग। सो आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि आप किस चीज को कह रहे हो कि इफेक्टिवली मान लेंगे हम लोग कि आपने क्लीन कर दिया है, राइट। सबसे पहला डिफिकल्ट टास्क यह है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस लेवल पर जाकर हमें क्लीनिंग करनी है। सेकंड इज कि हम लोग ज़्यादा लिटर क्लीन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है, ज़्यादा कचरा क्लीन करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ऑपरेशंस इफेक्टिव है, क्योंकि अल्टीमेटली कितना कम क्लीनिंग करना पड़ेगा उसके बाद भी साफ रह रहा है तो हमारा काम अच्छा बनेगा, राइट। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इफेक्टिवनेस पे आते हैं, तो अगर आपने क्लीनिंग कर दी है, फॉर एग्जांपल आपने ये स्टैंडर्ड सेट किया कि मेरे जो वहाँ पर ग्लास के पीसेस होंगे, अगर कुछ कांच की बॉटल फेंकी गई है उसके टुकड़े हो गए टूट के, तो वो सारी चीज़ों को क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि उससे चोट लग सकती है। जो कैंस होती है, अलग अलग एल्यूमिनियम कैंस हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल है। बट अगर अपन लोग बात करें कि रैपर्स को क्लीन किया जाए, सो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हर रैपर को उठा के और उसको डिस्पोज ऑफ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर आपने वहाँ पर बीच पर फेंका हुआ है तो, राइट। तो कितने लेवल पर जाके रैपर्स को उठाना है, कलेक्ट करना है। फिर अगर अपन बात करें, फॉर एग्जाम्पल यू एट अ बनाना और उसका जो कवर है आपने सिर्फ सिंपली फेंक दिया बाहर, तो उसको उठाना है, कितने ऐसी चीज़ों को उठाएंगे। तो आपको बेसिकली ये सेट करना पड़ेगा कि कितने लेवल पर जाके आप क्लीनिंग करने वाले हो। ऐसी चीज़ों को पहले क्लीन किया जाना चाहिए और सफाई से क्लीन किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से कुछ भी चोट लग सकती है या फिर डिजीज़ फैल सकती है, राइट। बाकी चीज़ों को हम लोग शायद थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। सो ये सेट किया, इसके हिसाब से हमने देखा कि कितना ज़्यादा अपन लोग क्लीन कर पा रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर के काम को अपन ने वेरीफाई किया, अपने को पब्लिक से भी डेटा मिला था तो वो भी हमने देखा साथ में, और इसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इफेक्टिवनेस हमने अचीव किया है या नहीं किया है।
ऑलराइट, सो अल्टीमेटली अगर मेरा एक डिपार्टमेंट है ऑडिट डिपार्टमेंट लेट्स से, और वो ऑडिट डिपार्टमेंट को ये टेस्ट करना है कि ये सारा काम इफिशियंट है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, और इकोनॉमिकल है या नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि कम से कम कॉस्ट में अगर हम लोगों ने किया है, बजट से मीट हो रहा है या बजट से थोड़ा भी ऊपर गया है बट साथ में इफेक्टिव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, साथ में हम लोग एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर और कितने रिसोर्सेज के अंदर उसने काम किया है, ताकि उसकी वजह से हम लोग एफिशिएंसी को भी टेस्ट कर पाएं। बट अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिवनेस, तो ये आपके स्टैंडर्ड कितने मीट कर पा रहे हो वहां से आप लोग इफेक्टिवनेस को निकाल सकते हो। अल्टीमेटली एट द एंड यू टू से, यू टू मेंशन दिस पॉइंट कि जितना कम कचरा होगा उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस हमारा इंप्रूव होते जाएगा। बिकॉज जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप अगर इंस्पेक्शन कर रहे हो तो इंस्पेक्शन भी एक तरह का वेस्ट है, क्योंकि वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। ठीक है, अगर आपका कुछ डिफेक्ट हुआ ही नहीं होता तो आपको इंस्पेक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी तरह से अगर कचरा फेंका नहीं होता तो आपको क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? सो कचरा जितना कम अपने को क्लीन करना पड़ रहा है वो भी एक अच्छा पॉइंट है। ओके, सो दिस कवर्स अप योर केस स्टडी नंबर 16 एंड लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 17। लेट्स बिगिन विद केस स्टडी नंबर 17। इसमें हम लोग बात करने वाले फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की। इस केस स्टडी के अंदर हमें सबसे पहले तो करंट स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करना है, देन वी हैव टू इवैल्यूएट द प्रपोज स्ट्रेटजी, एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एंड फीडबैक कंट्रोल, और उसको कैसे अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जब अपन बात करें करंट स्ट्रेटजी की और प्रपोज स्ट्रेटजी की, तो वहां पर अपने को बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं क्वेश्चन से, तो इसलिए मैं क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वही अपन यहां पर लेके आने वाले हैं। बट आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर विंग्स इंटरनेशनल नाम का एक एयरलाइन कंपनी है जिसके बारे में बात की गई है। वो था पहले जेट एयरवेज टाइप का, यानी कि सब कुछ दे देने वाला। उसके बाद में वो बनने की कोशिश करने लगा इंडिगो टाइप का, वहाँ पर वो फेल हो गया, और उसके बाद में उसने एक नया स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की कोशिश करी। सो अपने को इंडिगो टाइप वाली स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करना है, जो कि उसकी करंट स्ट्रैटेजी है। फिर अपने को उसकी नई स्ट्रैटेजी यानी कि प्रपोज स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करना है। फिर अपने को बताना है कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और फीडबैक कंट्रोल भी कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द इवैल्यूएशन ऑफ करंट स्ट्रैटेजी। यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि वो लो कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जा रहा था। सो यहाँ पर उसने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सीट दूंगा टिकट के अंदर, और उसके अलावा एक लगेज केबिन के अंदर, एक लगेज चेक इन के अंदर। ठीक है, सो दो लगेज और एक सीट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देने वाला है वो। बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको एक्स्ट्रा पैसे देके परचेज करनी पड़ेगी। बैगेज कम करने की वजह से उसका स्पेस बच जाएगा, जिसकी वजह से वो फ्यूल कॉस्ट में सेव कर लेगा। और उसने उसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग देना शुरू करी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की वजह से उसके जो काउंटर्स थे वो कम होने लग गए, जिसकी वजह से उसको वापस से कॉस्ट रिडक्शन मिला। ठीक है, सो इस तरह से उसने ट्राई किया कि मैं कॉस्ट अपना रिड्यूस कर लूँ। उसके बाद उसने कस्टमर को कैसे कम प्राइस देना शुरू किया, तो वो बहुत डिस्काउंट देने लग गया था। बट ये स्ट्रैटेजी उसकी फेल हो गई। इसके पीछे कुछ रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था कि प्राइस वॉर वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर प्राइस वॉर में एंगेज हो गए थे, जो कि अनवायबल हो रहा था विंग्स इंटरनेशनल के लिए। उसके बाद में जो लास्ट मिनट बायर्स थे वो एक्चुअली प्राइस इनडिफरेंट थे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्राइस ज्यादा हो या कम हो, तो उनको अपन ज्यादा प्राइस पर सेल करके और वहां से पैसे कमा सकते थे। बट यहां पर अपन ने फिर भी उसको कम पर सेल किया, तो अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान हुआ। और अल्टीमेटली उसको रियलाइज हुआ कि सारे कॉस्ट जो है उसके वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि ओवरहेड्स हो गया, स्टाफ कंपनसेशन हुआ, लैंडिंग फीस हुआ, मेंटेनेंस हुआ, ये सारे कॉस्ट उसके बढ़ते जा रहे थे। तो अल्टीमेटली इसका लो कॉस्ट लीडरशिप वाला जो स्ट्रेटजी था वो फेल होने लगा। तो उसके बाद उसने डिवाइस किया एक नया स्ट्रेटजी। अब इस नए स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करते हैं। इसके नए स्ट्रेटजी के अंदर इसने बोला है कि ये डिफरेंशिएशन एडवांटेज पर जाएंगे। तो ये किस तरह से कर सकते थे? सबसे पहले इन्होंने सोचा कि हम लोग फुल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, और ये उसके हिसाब से जो प्राइस बनता है उसका, उस पर प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा उसने बोला कि हम लोग अब ज्यादा कनेक्टिविटी ऑफर करेंगे बिकॉज ऑफ यूजिंग अ हब स्पोक मॉडल। ये हब स्पोक मॉडल क्या होता है कि अगर आपने एक व्हील देखा होगा तो उसके बीच में एक सर्कल होता है जहां से बहुत सारे स्पोक्स निकल रहे होते हैं, राइट? तो एक सेंट्रल लोकेशन ये लोग बनाएंगे, छोटी छोटी लोकेशन से उस सेंट्रल लोकेशन पर लेके आएंगे, और वहां से अगर कोई इंटरनेशनल फ्लायर होगा तो उसको ले जाएंगे। सो इस वजह से कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा उसने बोला कि हम लोग स्ट्रैटेजिक टाइप्स करेंगे, जैसे कि होटेलियर्स के साथ में, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर्स के साथ में टाइप्स करेंगे, और पैकेजेस बनाएंगे जिसे कहेंगे हम लोग वेकेशन पैकेजेस। और उसके अलावा अल्टीमेटली हम लोग कस्टमर सर्विसेज को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी को प्रपोज किया था, जो कि डील कर रहा था डिफरेंशिएशन एडवांटेज के साथ में। सो ये हो गया इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोज स्ट्रैटेजी। अब अपने को बात करना है फीड फॉरवर्ड और फीडबैक कंट्रोल के ऊपर। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हो, उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे?
तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक नया स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। वो स्ट्रैटेजी बनाएगा हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद ऑपरेशनल लेवल के जो डिसीजन होंगे वो ऑपरेशंस टीम ले लेगी, और ये दोनों के डिसीजन मेकिंग में और डिसीजंस के अंदर एक सिनर्जी होना चाहिए, यानी कि दोनों चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए। तो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उससे अलाइन होते हुए ऑपरेशंस के डिसीजन होने चाहिए। ओके, अब इसके बाद में हम लोग रिपोर्टिंग को अपना स्पीड अप कर देंगे, यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग सिस्टम रहेगा वो जल्दी जल्दी रिपोर्ट बनाएगा। आप लोगों ने अपने इंटरवल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा रिपोर्टिंग के, उसके बेसिस पर आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, तो वो भी आपको टाइमली मैनर में करना है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको जितना डेटा चाहिए वो आपको रेगुलरली कलेक्ट करते जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अच्छे से क्लियरली डिफाइन करके रखना होगा कि कौन सा मैनेजर या कौन सा पर्सन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसको उस लेवल की अथॉरिटी हमने दी है या नहीं दी है। सो दिस इज़ योर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल पे आते हैं, तो आपको पता है फीडबैक कंट्रोल क्या होता है। वो सारी चीज़ें हो जाने के बाद में एक्चुअल रिजल्ट को बजटेड के साथ में कंपेयर करता है, राइट? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमने अकम्प्लिश किया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। उसके अलावा आपको टाइमली मैनर पर अपने रिपोर्ट्स को फिर से जनरेट करना पड़ेगा और कंपैरिजन करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ेगी। और आपको ये टाइमली मैनर पर करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने एग्जाम्पल के अंदर बताया हुआ है कि इन्होंने इनके जो करंट स्ट्रैटेजी था उसको एवेल्यूएट करने में बहुत सारा टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस हो गए। ओके, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आपके रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए। तो आप लोग अगर बजटिंग को थोड़ा याद करोगे तो उसके अंदर ये बताया गया है कि उसके अंदर ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स लिखना चाहिए, वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है, किस एक्सटेंट पे हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको कैसे अपन करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके रिपोर्ट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। इस तरह से आपका फीडबैक कंट्रोल भी इंप्लीमेंट हो जाता है। ऑलराइट, सो दिस कवर्स आपका केस स्टडी नंबर 17। लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 18। यार, इस केस स्टडी नंबर 18 फ्रॉम बियॉन्ड बजटिंग, और इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं। सो आप इमेजिन कीजिए कोई सा भी फेमस होटल चेन है, फॉर एग्जांपल ताज होटल्स, सोफिटेल, या फिर रेडिसन होगा, मैरियट, या फिर हयात इंटरनेशनल। सो कोई से भी इस तरह के एक होटल चेन को इमेजिन कीजिए। इन लोगों के काफ़ी सारे होटल्स होते हैं वेरियस लोकेशंस पर। सो इसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है मैजिकल स्टेज। ओके, इस केस के अंदर दिया हुआ है मैजिकल स्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके काफ़ी सारे होटल्स हैं अलग अलग प्लेसेस पर। इनका जो सेंट्रल मैनेजमेंट टीम है वो सारे डिसीजंस ले लेता है, और मैनेजर को फिर वो टारगेट दिया जाता है कि आपको ये अकम्प्लिश करना होगा और वो मीट करना होगा। फिर क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनका पॉलिसी सेम रहे हर लोकेशन का, तो रूम रेंट हो गया, या फिर कितना लिनन यूज़ करना है, कितना ऑक्यूपेंसी होना चाहिए, ये सारे डिसीजंस, ये सारे टारगेट सेट किए जाते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट से। सो उस बेसिस पर जो मैनेजमेंट होता है वो ट्राई करता है कि हम सिर्फ टारगेट को अचीव कर लें, बिकॉज इन लोगों का पॉलिसी है कि कुछ सालों तक अगर वो टारगेट मीट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल 2-3 साल तक अगर वो टारगेट मीट नहीं कर पाए, तो उस लोकेशन को बंद कर दिया जाएगा। सो इस वजह से मैनेजर्स सिर्फ इस बात से कंसर्न्ड है कि ये लोग टारगेट को मीट कर लें। ये लोग डिमांड करते हैं कि रीजनेबल टारगेट्स हमें दीजिए ताकि हम लोग उसको अचीव कर पाएँ। सो देयर फोकस इज ओनली ऑन अचीविंग द टारगेट, और इसमें इन लोगों को उतना अथॉरिटी भी नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जो डिसीजन है, या फिर जो डीलिंग करना है, या फिर जो रेंट चार्ज करना है, ये सारे डिसीजन तो सेंट्रल टीम ने ले लिया है। सो देयर इज़ नो अथॉरिटी गिवन टू द मैनेजमेंट ऑफ विच इज़ कंसर्न विद द ऑपरेशंस, और जितना डिसीजन मेकिंग करना है, जितना टारगेट सेटिंग करना है, वो सारा सीनियर मैनेजमेंट या सेंट्रल मैनेजमेंट ने कर लिया है। सो यहाँ पर बात निकल के आती है ट्रेडिशनल बजटिंग की और बियॉन्ड बजटिंग की। ट्रेडिशनल बजटिंग वो है जो कि यहाँ पर अभी प्रैक्टिस हो रहा है। इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया है, और उनके टारगेट्स को मीट करने का काम है मैनेजमेंट का। तो इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये जो बजट सेट किए जाते हैं ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, क्योंकि इन्होंने खुद के टारगेट एक इंटरनली सेट कर लिया और उसको मीट करना है, तो ये जो बजट बनाया गया है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बताना है कि मेरा रेवेन्यू 10% से ग्रो होना चाहिए, तो वो 10% से ग्रो होना चाहिए, फिर मैं 9% को मानूंगा नहीं कि मैंने बजट को मीट किया है, राइट? सो देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। इवन दो द मार्केट कुड बी ग्रोइंग बाय से 20%, तो 10% हम लोगों का टारगेट हमने सेट किया इंटरनली, बाहर देखा नहीं। सो हम लोग टारगेट अचीव करने पर ही लगे हुए हैं। बाहर 20% से ग्रो हो रहा है, हम चाह रहे 10% से ग्रो, या फिर लेट से कि बाहर जो है सिर्फ और सिर्फ 5% से ग्रोथ हो रही है, बट हम लोग चाह रहे 10% से ग्रोथ हो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना।
सो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आती नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर बेंचमार्क जो है इंटरनल है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, सो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। फिर मैनेजर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर अथॉरिटी नहीं है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी एक नेगेटिव वर्किंग एनवायरमेंट क्रिएट करता है, और इस वजह से ट्रेडिशनल बजटिंग यहाँ पर फेल हो रहा है। सो हमें यूज करना पड़ेगा बियॉन्ड बजटिंग। नाउ बियॉन्ड बजटिंग इज सेइंग कि आप इंटरनली देखकर खुद का टारगेट मत बना लो, आप लोग ग्रोथ बेस्ड टारगेट सेट करो। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर 10% का ग्रोथ है, तो आप लोग शायद कह सकते हो कि आपको 10% से ज़्यादा ग्रोथ अचीव करना है, राइट? तो आप लोग चाहोगे कि अगर आपने 10.5% भी ग्रोथ अचीव किया तो वो अच्छी बात होगी, वहाँ पर आपको रिवॉर्ड करना चाहिए। 11% किया, 9.5% किया तो भी ठीक है, 10% किया तो भी ठीक है, बट इस तरह से टारगेट सेट करो ना कि आप मार्केट बेसिस पर चल पाओ। ऑलराइट, सबसे पहली बात आती है कि आपको एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स को देख के अपने बेंचमार्क सेट करने होंगे, टारगेट सेट करने होंगे, आपको एक्सटर्नल फोकस लेके आना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज जो मैनेजर्स ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको उतना अथॉरिटी दो कि वो लोग डिसीजन मेकिंग कर पाए। अगर सिचुएशन चेंज हो गई, एनवायरमेंट चेंज हो गया, तो वो चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग मार्केट सिनेरियो से क्विकली अडैप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए ये कैपेबिलिटी आनी चाहिए अपने मैनेजर्स के अंदर, राइट? सो मैनेजर्स को वो अथॉरिटी देना जरूरी है। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि इम्प्लॉई मोरल बूस्टअप होगा, क्योंकि एक तो उसको करेक्ट टारगेट्स दिए जा रहे हैं जिसको वो अचीव करने की कोशिश करेगा, तो मोटिवेशन बिल्डअप होता है। सेकंडली अगर उसने अचीव किया तो उसको रिवॉर्ड्स भी देना पड़ेगा, रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका मोरल और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। सो दिस इज़ वॉट इज़ बियॉन्ड बजटिंग, और बियॉन्ड बजटिंग इस तरह से वर्क करता है, इस तरह के फायदे अपने को देखने को मिलेंगे। सो ट्रेडिशनल बजटिंग के शॉर्टकमिंग्स लिखे, बियॉन्ड बजटिंग के अपन ने एडवांटेजेस लिखे, और इस तरह से अपना केस स्टडी नंबर 18 हो जाता है कंप्लीट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी, विच इज केस स्टडी नंबर 19। लेट्स बिगिन विद केस स्टडी नंबर 19, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक HAL नाम की ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि मैन्युफैक्चर, सेल और इंस्टॉल करते हैं इसीज को। इनके कंट्रोल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो रिपोर्ट्स के अंदर वेरिएंस कौन कौन से कैलकुलेट किए जा रहे हैं, वो है मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग लेबर एफिशिएंसी एंड नथिंग एल्स। अपने को इसके दो ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड समर AC। इसको इंस्टॉल किया जाता है 36,000 rupees पर AC पर, तो एवरेज रेवेन्यू अपने को पता चल गया। उसके बारे में इसकी इंस्टॉलेशन टीम की इंफॉर्मेशन दी है। देन द इंस्टॉलेशन टीम इज पेड अ बेसिक वेज प्लस उसको बोनस पे किया जाता है अगर वो लोग ईयरली टारगेट के ऊपर जाते हैं। इनका ईयरली टारगेट है 350 इंस्टॉलेशन का, उसके ऊपर अगर गए तो फिर इनको बोनस देंगे, ठीक है? तो टीम खुद का अरेंजमेंट करती है, उनको 7 दिन वर्क करना है हफ्ते में या फिर 12 घंटे वर्क करना है एक दिन के अंदर, तो सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से करती है। पर उसके हिसाब से अगर ये लोग 350 टारगेट्स के ऊपर गए, 350 इंस्टॉलेशंस के ऊपर गए, तो फिर इनको बोनस पे किया जाता है। सो HAL को नॉर्मली एक माइनर कंप्लेंट मिलती है हर इंस्टॉलेशन पर ऑफ समर AC, और मेजर कंप्लेंट मिलती है फॉर द 10% ऑफ इंस्टॉलेशंस। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के लिए। फिर अपने को दूसरे ब्रांड का इन्फॉर्मेशन दिया है, विच इज़ कॉल्ड समर कूल AC। समर कूल AC इज बेसिकली टारगेटेड ओनली एंड ओनली फॉर हाई लेवल कॉरपोरेट्स, ठीक है? तो हाई लेवल कॉरपोरेट्स में ही ऐसे इंस्टॉल हो सकता है। उसके बाद में हमें इसका एवरेज रेवेन्यू बताया है, विच इज़ 3 lakhs पर AC। उसके बाद में इसकी 7 टीम है जो कि इंस्टॉल करने जाती है, और ये लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अप टू 240 ACs पर टीम पर ईयर, और टीम को सिर्फ सैलरी दी जाती है, यहाँ पर बोनस नहीं दिया जाता है। एंड HAL हैज़ नेवर रिसीव्ड अ कंप्लेंट अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ समर कूल AC। सो दिस इज वॉट द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन टू अस। इसके बेसिस पर अपने को उनके कंट्रोल सिस्टम के ऊपर एडवाइस भी करना होगा और अपने को इवेल्यूएट करना होगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। HAL का करंट कंट्रोल सिस्टम ये बोलता है कि अपने को फोकस करना है ओनली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज आपको इंस्टॉलेशन पर भी फोकस करना होगा क्योंकि वहाँ से कंप्लेंट्स आ रही है, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग देयर कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो 3 तरह के वेरियंसेस निकाल के उसको एस्टिमेट कर रहे हो और इवेल्यूएट कर रहे हो। तो उसके अलावा बाकी एस्टिमेट्स पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आप इंस्टॉल भी कर रहे हो और वहाँ से कंप्लेंट्स आ रही है। सेकेंडली, अगर अपन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करें, तो फिर समर कूल AC इज गिविंग यू एन एवरेज रेवेन्यू ऑफ 3 lakh rupees, और अपना जो समर AC था वो कम दे रहा था, 36,000 दे रहा था शायद वो, और इन दोनों का कंपैरिजन में अपने को पता चल गया कि समर कूल AC इज गिविंग अस हायर बेनिफिट। ऑलराइट, तो दूसरी बात यह है कि एक तो अपन उसको टारगेट करें सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल कॉर्पोरेट्स के लिए, और उसके अंदर अपने को मटेरियल जो यूज़ करना है वो बहुत अच्छा यूज़ करना पड़ेगा।
सो यहाँ पर अगर आप अपने जो वेरियंसेस कैलकुलेट कर रहे हो उसमें भी जाते हो, सो प्रोबेबली मटेरियल प्राइस वेरियंस को आप थोड़ा इग्नोर कर दोगे क्योंकि अच्छे पार्ट्स खरीदने हैं, अच्छे रॉ मटेरियल खरीदने हैं, ओके. बट मैन्युफैक्चरिंग यूसेज जो रहेगा आपका, मटेरियल यूसेज हो गया, लेबर एफिशिएंसी रह गया, उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो. बट यू कैन कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल ऑन द मार्केट प्राइस, ऑन द मटेरियल प्राइस वेरियंस. ऑलराइट, सो सबसे पहले तो ये वाला भी पॉइंट आ गया. और उसके अलावा इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड आपको पॉइंट्स लेके आने पड़ेंगे कंट्रोल सिस्टम के अंदर, और उसके बेसिस पर आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा. सो फाइनल कंक्लूजन कुड बी फॉर दिस पॉइंट कि आपको नए मेट्रिक्स को डेवलप करना पड़ेगा. फिर अपने को इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे CSFs है जिसके ऊपर अपने को फोकस करना चाहिए. तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग की. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही हम लोग अभी मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज और मैन्युफैक्चरिंग लेबर पे फोकस कर रहे हैं, राइट. बट उसके अलावा अगर हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में देयर कुड बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक इनोवेशन, मैं कौन सी मशीनरीज यूज कर रहा हूँ, ये सारी पॉइंट्स भी तो आ जाती है. सो मुझे टेक डेवलपमेंट देखना होगा, उसके अंदर इनोवेशन देखना होगा, बिकॉज ACs के अंदर तो कितना इनोवेशन हो सकता है. आजकल बहुत नई नई तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, इको फ्रेंडली आ गया. उसके अलावा आपको सेंसर के साथ में वो आप जिधर जाते उधर मूव करता है, वो सारी टेक्नोलॉजी जो हो गई, 360 डिग्री वाला एक व्यू आ गया ACs के अंदर. तो ये सारी चीज़ों को आपको लेके आना पड़ेगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. इनोवेशन पर फोकस कीजिए, और उसके अलावा आप लोग मशीनरीज पर फोकस कीजिए कि आप कौन से टेक्नोलॉजी को यूज़ करें. ऑलराइट, सो दैट कुड आल्सो कम इनटू योर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. फिर मैं अगर बात करूंगा तो आ जाऊंगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर. कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट फ्रॉम व्हेन दे आर ऑर्डरिंग द ACs, और उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विस तक भी अगर मैं देता हूँ तो वहाँ तक का जितना ट्रांजैक्शन मेरा होने वाला है कस्टमर्स के साथ में, उसमें मुझे उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट. तो उनके सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने ACs को मैन्युफैक्चर करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और पूरा उनके साथ में ट्रांजैक्शन करूँगा. सो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन कम्स योर क्वालिटी. तो क्वालिटी में अभी हम लोग इंस्टॉलेशन की क्वालिटी के अंदर अभी पीछे हैं, जिसमें हमें कंप्लेंट्स नज़र आ रही है, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि कैसे हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो क्वालिटी की बात आ जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग पर तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, बट हम लोग साथ में इंस्टॉल भी कर रहे हैं. सो इंस्टॉलेशन के ऊपर हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. एंड एट लास्ट कम्स योर ब्रांड परफॉर्मेंस. तो ब्रांड अपने दो है, एक समर AC और एक समर कूल AC है. समर AC कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, वो अपन देख सकते हैं. उसके अंदर कहाँ पर अपने को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो देख सकते हैं, और उसके अंदर अपने को पूरी तरह से रिपोर्ट बनानी चाहिए और उसके बेसिस पर करेक्टिव एक्शंस लेते रहने चाहिए. सिमिलरली इज़ द केस विद समर कूल AC एज वेल. ऑलराइट, सो ये हो गए अपने CSFs. और लास्ट में अपना एडवाइस क्या रहेगा, तो एडवाइस जैसा कि हमने करंट कंट्रोल सिस्टम के टाइम पर भी डिस्कस किया था, सो एडवाइस यही रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ध्यान मत दीजिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग है. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आपको मल्टीपल पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा, उसके अलावा आप इंस्टॉलेशन भी कर रहे हो तो उसके ऊपर भी फोकस करना होगा. आपके जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको आप टाइमली मैनर में बनाइए, यानी कि आप उसकी पीरियड डिसाइड कीजिए कि कितनी जल्दी आपके रिपोर्ट्स बन के आने चाहिए, उसके बेसिस पर आप लोग अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो. और ये जो CSFs हमने मेंशन किए उसके ऊपर फोकस करके और उनको नए मेट्रिक्स को डिजाइन करना चाहिए, राइट. सो अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग सिस्टम एंड करेक्ट मेट्रिक्स और करेक्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम. सो ये दोनों एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी यहां पर. एंड इस तरह से हमारा केस स्टडी नंबर 19 भी कंप्लीट हो जाता है. लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट केस स्टडी व्हिच इज केस स्टडी नंबर 9. लेट्स बिगिन विद केस स्टडी नंबर 9, जो कि फाइनली अपने को थोड़ा सा नंबर के साथ में खेलने का मौका देता है. ऑलराइट, केस स्टडी नंबर 9 इज फ्रॉम सिक्स सिग्मा. यहाँ पर DMAIC अप्रोच का यूसेज है, तो अपन उसको ध्यान में रखते हुए इस केस को पढ़ते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का सेल हो रहा है. दे आर सेलिंग 25,000 यूनिट्स एट ₹20,000 ईच. इसमें से 1% रिटर्न किया जाता है ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज, उसको स्क्रैप करके कम्प्लीटली रिप्लेस किया जाता है. उसके अलावा वारंटी क्लेम्स हमें बताए गए हैं, वारंटी क्लेम्स पूरे आ रहे हैं ₹30,00,000 पर annum के. उसके बाद हमें क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट लग रहा है उसका डिटेल दिया हुआ है. देन इंस्पेक्शन करने के बाद कितना रीवर्क निकल के आ रहा है उसका कितना कॉस्ट लग रहा है वो भी हमें दिया हुआ है. सो ये कुछ कॉस्ट अपने को शुरुआत में दिए हुए हैं. देन अपने को सारे प्रॉब्लम्स बताएं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, वो प्रॉब्लम का रीज़न भी बताया अपने को. सो ये प्रॉब्लम्स मेंशन करने के बाद उन्होंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिया हुआ है केस के अंदर ही, सो वी कैन डायरेक्टली यूज़ इट,
राइट इसके बाद में हमें बताया कि ये सोल्यूशन को अगर अपन इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे कॉस्ट में क्या चेंज आता है। सो कॉस्ट में चेंज आने का मतलब ये है कि अब अपने पास में एक करंट स्ट्रक्चर है, एक प्रपोज स्ट्रक्चर है, उस दोनों का कंपैरिजन अपन कर सकते हैं, राइट। सो ये नंबर के साथ में अपने को खेलना शुरू करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन, जहां पर अपने को डीएमए आईसी को एक्सप्लेन करना है और उसके बेसिस पर अपन लोग देखते हैं कि किस तरह से केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। डीएमए आईसी में आता है सबसे पहले डिफाइन, जहां पर हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारा करंट प्रॉब्लम क्या है, हमारे प्रोजेक्ट से हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो ये सारी चीज़ों को हम लोग पहले से डिफाइन कर देते हैं। ऑलराइट, फिर अपन आते हैं मेजर के ऊपर। तो सबसे पहले अपन ने डिफाइन क्या किया, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग क्वालिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं, इससे अपने को डील करना पड़ेगा। फिर आते हैं अपन मेजर के ऊपर। मेजर में हम लोग करंट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो अपन लोग करंट परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, अपने को सारे कॉस्ट दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्स रिटर्न, 1% पूरा सेल्स रिटर्न होकर आ रहा है जिसको अपने को रिप्लेस करना पड़ रहा है। अपने को वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 12,500। सो जितना रिटर्न हुआ मल्टीप्लाइड बाय 12,500 इज योर सेल्स रिटर्न का कॉस्ट। फिर आता है वारंटी क्लेम्स, वो डायरेक्टली अपने को दिया हुआ है 30 लाख है। सो ये दो कॉस्ट मिलाकर अपने को पता चल गया कि अपना करंट परफॉर्मेंस कहाँ पर है, ये अपन ने मेजर कर लिया। इसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि अपना जो प्रॉब्लम था उसके पीछे रीजंस क्या क्या है। तो अपने को वो रीजन ऑलरेडी दिए हुए हैं केस के अंदर। द ओनली प्ले हियर इन दिस क्वेश्चन इज कि अपने को बाकी सारा डेटा केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। द ओनली प्ले हियर इज कि अपन लोग उस डेटा को कहाँ पर सही जगह पर यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो एनालिसिस में आ रहे हैं तो उसका रीज़न अपने को यहाँ पर मेंशन करना होगा। सो वहाँ से अपन प्रॉब्लम उठा के यहाँ पर एज इट इज़ लिख सकते हैं थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में। ओके, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नंबर का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर अपन ने बताया है कि क्वालिटी इश्यूज़ के प्रॉब्लम है, उसके अपन ने रीज़न आइडेंटिफाई करके रख दिए, तो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूँ यहाँ पर। कितना इनकर कर रहा हूँ वो आप कैलकुलेट करोगे। फिर इंस्पेक्शन की वजह से मेरा रिवर्क्स निकल के आ रहे हैं, वो रिवर्क कॉस्ट भी मैं इनकर कर रहा हूँ, वो भी आप यहाँ पर लिख दोगे। सो टोटल आपका यहाँ पर कॉस्ट निकल के आ गया, एक कॉस्ट इनकर कर रहे हो आप क्वालिटी के लिए। सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, फिर आता है इम्प्रूव। डी एम ए आई सी में आई से होता है इम्प्रूव। सो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो अपने को वो क्वेश्चन के सोल्यूशन भी केस स्टडी के अंदर दिए हुए हैं। ऑलराइट, सो अपन ने वो सोल्यूशन मेंशन किए, उसके बाद में अपन पूरा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का एक चार्ट बना सकते हैं। क्योंकि अपन ने सोल्यूशन लिया, अपन ने पहले करंट कॉस्ट अपन ने ऑलरेडी ऊपर लिख के रखा था प्रॉब्लम के अंदर। सो दोनों का कंपैरिजन यहीं पे पता चल जाएगा। सो योर प्रिवेंटिव कॉस्ट, अपने को सोल्यूशन में बताया हुआ है कि आप प्रिवेंशन कर सकते हो, प्रिवेंशन के लिए अपन लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो ट्रेनिंग का अपन ने जितना कॉस्ट इनकर किया है प्रपोज सिनेरियो के अंदर, वो अपन लेके आ जाएंगे, वो अपन ने ले लिया। उसके बाद में अपन को बताया कि आप पहले से ही इनपुट का ही आप इंस्पेक्शन करके रखो, तो उसका जो कॉस्ट लग रहा है वो भी अपन यहाँ पर लेके आ जाएंगे। ये हो गया आपका प्रिवेंशन कॉस्ट। फिर आता है अप्रेजल कॉस्ट, जहाँ पर अपन लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं अभी भी। तो पहले अपना वहाँ पर 10 लाख का कॉस्ट लग रहा था, अब सिर्फ 6 लाख का लग रहा है। सो वो अपने को डिफरेंस पता चल गया। 6 लाख का कॉस्ट अपन ने डाला अपने अप्रेजल के अंदर, जिसमें आया इंस्पेक्शन। फिर आता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, तो वहाँ पर अपन रीवर्क कर रहे हैं, राइट, रीवर्क का अपने को कॉस्ट पता चल गया। फिर अपन आए एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के ऊपर, तो पहले अपन सेल्स रिटर्न कर रहे थे, वारंटी क्लेम्स कर रहे थे, ये सारी चीज़ें अब हट चुकी है। तो इस तरह से आपने पूरा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बना दिया और आपका टोटल कॉस्ट वहाँ पर बता दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ऑलराइट, फिर अगर आप चाहो तो उसको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी बता सकते हो फॉर योर बेटरमेंट ऑफ द आंसर। फिर अपन आते हैं इम्प्रूवमेंट पे ही, तो अपन इम्प्रूवमेंट में ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये सारी जो हमने टेबल के अंदर मेंशन करी है, इसमें से कौन सी चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ रिवर्क का, तो अपन ने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। अगर आप देखोगे अपनी टेबल के अंदर तो रिवर्क कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि अपन ने इनपुट मटेरियल को ही इंस्पेक्ट कर लिया था, वहीं पर अपना इंप्रूवमेंट निकल के आ गया था। ओके, सो रिवर्क कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया है, सेल्स रिटर्न भी खत्म हो गया है, वारंटी क्लेम्स भी खत्म हो गया है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ये इंप्रूवमेंट हमने किया है। उसके अलावा हम लोग बता रहे हैं कि अपना इंस्पेक्शन कॉस्ट 10 लाख से 6 लाख हो गया, सो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। और अपने को क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि अगर आप ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो आपका सेल्स जितने से इंक्रीज हुआ है वो भी आप यहाँ पर लेके आओगे, वो भी तो इम्प्रूवमेंट ही है। सो अल्टीमेटली अपन ने इम्प्रूवमेंट लिखा, और उसके बाद अपन बता रहे हैं कि अपने को अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखना पड़ेगा तो अपना इम्प्रूवमेंट क्या आ रहा है। सो अपन जैसे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं ना, वही यहाँ पर करने वाले हैं कि अपने को कहाँ पर सेविंग्स हुआ, कहाँ पर एडिशनल कॉस्ट लगा, और लास्ट में नेट बेनिफिट कितना आया। तो वो टेबल अपन ने बनाया अपने इम्प्रूवमेंट के अंदर। एंड एट लास्ट आने कंट्रोल के ऊपर, तो कंट्रोल के अंदर तो हम लोग सिंपली यही बोलेंगे कि अगर आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे एज अ सोल्यूशन, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहिए। उसके अलावा अगर आप लोग मशीनरी अच्छी यूज़ कर रहे थे
तो उसको मेंटेन करते रहिए। प्रोबेबली यू कैन ऑल्सो यूज़ की TPM इंट्रोड्यूस कर दो, TPM से आपकी मशीनरी जो है वो टॉप क्वालिटी कंडीशन में रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफेक्ट फ्री बनेगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होते जाएगा। सो इस तरह के सोल्यूशन को आपको लिखना आना चाहिए। द ओनली प्ले हेयर इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर मेंशन करना है, सारी चीज़ें आपको केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है वैसा का वैसा उठा के लिखना है और थोड़ा बहुत नंबरों के साथ में खेलना है। बट द ओनली थिंग हियर इज कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर लिखना है वो पता होना चाहिए, बिकॉज डिफाइन कर रहे हैं तो क्या डिफाइन कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं तो उस वक्त आपको मेजरमेंट देना पड़ेगा, फिर एनालाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने को अपना एनालिसिस मेंशन करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट पूरा दिखाया अपन ने, इम्प्रूवमेंट के अंदर अपन ने दो टेबल बनाया, एक तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का और अपना इम्प्रूवमेंट जो अपना फाइनेंशियल टर्म्स में निकला नेट बेनिफिट वो भी बनाया, एंड देन एट लास्ट यू हैव टू शो कंट्रोल। सो इस तरह से हमारा केस स्टडी नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर अपनी सारी केस स्टडीज कंप्लीट हो जाती है, द 19 केस स्टडीज विच वर गिवन इन मॉड्यूल 3। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक एंड शेयर बिकॉज उसकी वजह से यूट्यूब एल्गोरिदम वर्क करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेगा, एंड प्रोबेबली दिस वीडियो विल हेल्प अदर्स एज वेल। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम्स, डू लेट मी नो हाउ इट गोज और कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा आफ्टर द एग्जाम इज ओवर। ऑलराइट, सो बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।